को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ना गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है, खरगोश शेर बन के पहाड़ भी सकता है। स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। साउथ के बाहुबली प्रभास की फिल्म सलार पार्ट वन सीज फायर ने रिलीज के बाद से सिनेमाघरों में धूम मचा रखी थी। प्रशांत नील की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे के दिन ही ऐसी दहाड़ लगाई जिसकी गूंज अब तक सिनेमाघरों में सुनाई दे रही है। तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई इस फिल्म ने 6 दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है दोस्तों। हालांकि जहां बुधवार तक फिल्म की कमाई धुआंधार हो रही थी, वहीं अचानक गुरुवार को कलेक्शन नीचे गिर चुका है। ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन और वेकेशन की मार इन फिल्मों पर पड़नी शुरू हो गई है। इस फिल्म ने वैसे 7 दिनों में देश भर में 300 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। बता दूं कि सलार सीज फायर पार्ट वन शाहरुख की फिल्म डंकी के अगले दिन यानी कि 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में तो बाजी मारी है, साथ ही टिकट खिड़की पर भी छप्पर फाड़ कर कमाई की है। पर प्रभास की इस फिल्म की कमाई ने साउथ की कई बंपर फिल्मों को जमकर टक्कर दी है। 90.7 करोड़ की ओपनिंग के साथ ही इस फिल्म ने प्रभास की पिछली धाकड़ फिल्म बाहुबली 2 को भी पछाड़ दिया है। साकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने गुरुवार को 13.50 करोड़ की कमाई की है और वहीं फिल्म ने 7 दिनों में कुल मिलाकर 308.90 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने दुनिया भर में करीब 503 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है। फिल्म सलार में प्रभास काफ़ी दमदार रोल में दिखे हैं दोस्तों और उनके एक्शन सीन्स की जमकर तारीफ भी हो रही है। इसके अलावा इस फिल्म में श्रुति हसन, ईश्वरी राव, श्रिया रेड्डी, टीनू आनंद और जगपति बाबू जैसे कलाकार भी हैं। ये फिल्म अपने मेगा एक्शन और दो दोस्तों के दुश्मन बनने की कहानी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही है। क्या आपने ये फिल्म देख ली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा हमारी आज की राइटर मनीषा जैन। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। प्रभास स्टारर सलार पार्ट वन सीज वायर 22 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन से ही दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है और इसी के साथ सलार ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की है दोस्तों। द वर्ल्ड इज माय टेरिटरी। यहाँ तक कि वर्किंग डेज में भी ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए यहाँ जानते हैं सलार ने रिलीज के 6ठे दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। मैं बता दें कि सलार प्रभास की कमबैक फिल्म साबित हुई है। इससे पहले एक्टर की कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही थी, लेकिन सलार ने धुआंधार ओपनिंग की और फिल्म का ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी है दोस्तों। क्राइम थ्रिलर इस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसी के साथ सलार वीकेंड पर ही नहीं बल्कि वीकडेज में भी अच्छा कारोबार कर रही है। फिल्म की कमाई की बात करें तो सलार ने रिलीज के पहले दिन 90.7 करोड़, दूसरे दिन 56.35 करोड़, तीसरे दिन 62.05 करोड़, चौथे दिन 46.3 करोड़ और पांचवे दिन 24.9 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अब इस फिल्म की रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। साकनल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 17 करोड़ का कलेक्शन किया है दोस्तों। इसी के साथ सलार की 6 दिनों की कुल कमाई अब 297.40 करोड़ रुपये हो गई है। वही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी ये कमाई के नए रिकॉर्ड बेहद आसानी से कायम कर सकती है। सलार का जलवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बिछाया हुआ है और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। ग्लोबली फिल्म की कमाई की बात करें तो साकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने रिलीज के 5 दिनों में दुनिया भर में 428.90 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों 6ठे दिन फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा भी छू लिया है। सलार का डायरेक्शन के जिप फेम प्रशांत नील ने किया है। फिल्म में दोस्तों प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, टीनू आनंद, श्रिया रेड्डी, ईश्वरी राव और जगपति बाबू ने अहम रोल प्ले किया है। ये फिल्म काल्पनिक शहर खानसार पर आधारित है और दो दोस्तों पर केंद्रित है जो
घटनाओं के दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ के कारण कट्टर प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। आदि पुरुष और पृथ्वीराज सुकुमारन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर सिनेमा घरों में रिलीज के पहले दिन से डंकी को तोड़ रही है। इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी के साथ ये फिल्म जमकर नोट छाप रही है। पैसा ही पैसा होगा। चलिए यहाँ जानते हैं आदि पुरुष स्टारर फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। सेकमिल्क की एक वेबसाइट है, उसके अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सालार ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को 42.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ सालार ने रिलीज के चार दिनों में 251.60 करोड़ की कमाई कर ली है सिर्फ अपने देश में। सालार देश ही नहीं पूरी दुनिया में घूम चुकी है और ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। क्यों हिला डाला ना? इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर महज तीन दिनों में 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी भी मजबूत बनी हुई है एकदम सालार की तरह। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट की है कि फिल्म ने रिलीज के तीन दिनों में 402 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं दिसंबर को क्रिसमस पर पब्लिक हॉलिडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में चौथे दिन और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म क्रिसमस पर 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, लेकिन मेरे को लग रहा है 500 कर जाएगी। अच्छा ठीक है। सालार पार्ट 1 सीज फायर एक एक्शन से भरपूर ड्रामा है जिसे KGF फेम प्रशांत नील ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म से प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा श्रुति हसन, जगपति बाबू, माइम गोपी, श्रिया रेड्डी और कई अन्य कलाकार ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म के दूसरे भाग का नाम भी रिवील हो गया है, सालार भाग 2 शौर्यांग पर्व के नाम से रिलीज होगी। को ये भी बता देना चाहता हूँ कि होमबेल फिल्म से ये मूवी 400 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है। आपको क्या लगता है फिल्म किस किस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने का कामयाबी हासिल कर पाएगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। फिल्म साहू से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले प्रभास लंबे समय से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। उनकी पिछली फिल्म में साहू के अलावा राधे श्याम और आदि पुरुष भी अपना जादू चला पाने में असफल रही थी। दोस्तों अब प्रभास अपनी लेटेस्ट फिल्म सलार के साथ हाजिर हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें जिस सफलता का लंबे समय से इंतजार था वो ये फिल्म पूरा करने जा रही है। जी हाँ, सलार सीज फायर पार्ट 1 रिलीज होते ही तहलका मचा डाला है और ये फिल्म इस साल के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 90.7 करोड़ रुपए की ओपनिंग केवल भारत में कर डाली है। वही प्रभास की इस फिल्म की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर पठान और जवान जैसी फिल्मों को रौंद डाला है। आइए जानते हैं दोस्तों रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है। प्रभास और श्रुति हसन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। साल 2023 ने जाते जाते भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री के नाम एक ऐसी फिल्म कर दी है जो कमाई के मामले में रोज नया इतिहास रचने जा रही है। हालांकि ओपनिंग की बात करें तो प्रभास की सलार अभी तक उनकी पिछली फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। दोस्तों सलार ने तीन दिनों के भीतर ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि करीब 250 करोड़ के बजट में बनी प्रभास की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने तीसरे दिन 61.00 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की है। इस तरह से तीन दिनों में फिल्म ने केवल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 208.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। भाई सलार का ये कलेक्शन इस साल बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म जवान को पछाड़ डाला है जिसने तीन दिनों में 206.06 करोड़ का कलेक्शन किया था। सैकनल की रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने जहां दो दिनों में वर्ल्ड वाइड 243.80 करोड़ का कलेक्शन किया वहीं तीन दिनों में यह आंकड़ा करीब 315 करोड़ के पार हो चुका है। केवल दो दिनों में इस फिल्म ने विदेश में करीब 70 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। प्रभास की अब तक की शानदार फिल्मों में बाहुबली 2 ने हिंदी में 510.99 करोड़, साहू ने 145.67 करोड़, बाहुबली ने 118.5 करोड़ और राधे श्याम ने 19.36 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों अब आपको क्या लगता है सलार कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की मनीषा जैन। वैसे प्रभास की अपकमिंग फिल्म जिसे प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स ने बनाया है उसकी रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सालार अब सच में फिल्म बाहुबली को भी टक्कर देने वाली है या टक्कर दे चुकी है। अब किस तरह से टक्कर दे चुकी है ये तो पर्दे पर फिल्म देखने के बाद ही हमें मालूम चल पाएगा, पर इस टक्कर के पीछे का रीजन है फिल्म का एक्सपेंसिव और बढ़िया सेट। सालार का सेट इंडियन सिनेमा का लार्जेस्ट सेट कहलाया जाता है जो कि रामोजी फिल्म सिटी में एक और रामोजी फिल्म सिटी डेवलप करके बनाया गया है। इसने तो KGF चैप्टर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ
5% CGI का इस्तेमाल किया गया है और 95% प्रैक्टिकल सेट डिजाइंस देखने को मिलेंगे, मतलब रियल लोकेशंस पर शूटिंग जहां VFX का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर बाहुबली को सालार से इस बात को लेकर हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली बाहुबली में कई सारे VFX का इस्तेमाल किया गया था और लार्जर देन लाइफ सेट्स बनाने के बावजूद भी, पर सालार में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे सालार का सेट बनाने के पीछे आर्ट डायरेक्टर शिवा कुमार का हाथ है, तो वही सिनेमाटोग्राफर है भुवन गौड़ा जो KGF सीरीज के साथ भी जुड़ चुके थे। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि सालार KGF बाहुबली को पहले ही पीछे छोड़ चुकी है। वैसे आपकी नजर में कौन मारेगा 2023 के क्रिसमस पर बाजी? अब दो दो सांता क्लॉसेस जो आने वाले हैं, तो किस सांता क्लॉस को ज्यादा पसंद किया जाना है ये तो तभी मालूम चल पाएगा जब उनकी फिल्में रिलीज होगी। अब यहाँ प्रभास के साथ साथ शाहरुख खान की डंकी की बात हो रही है। वैसे डंकी हो या फिर सालार, दोनों ही फिल्मों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है ओपनिंग डे पर। जैसे कि फिल्म RRR जवान का लेवल ओपनिंग डे पर ही मैच कर पाना इन दोनों फिल्मों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और प्रभास की आदि पुरुष भी ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड बना चुकी है, तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऊपर से बात यह है कि प्रभास की फिल्म साउथ मार्केट में तो बढ़िया नंबर्स कमाएगी ही, जिसका फायदा डंकी को तो नहीं हो सकता। पर एक ऐसा ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है कि डायरेक्टर प्रशांत जिन्होंने सालार बनाई है उनके KGF फिल्म को पंजाब से बहुत बढ़िया फायदा हुआ था, पर सालार को लेकर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। इसका रीजन है डंकी, क्योंकि डंकी की कहानी पंजाब से ही जुड़ी हुई है। इसका मतलब डंकी को वहां से सब सारा प्यार मिलेगा। हाँ, ये बात सही है कि डंकी तमिल तेलुगु भाषा में डब नहीं होगी, जिसका फायदा यहाँ पर प्रभास को हो जाएगा यानी कि सालार को होगा। पर भी ओपनिंग डे पर या पर ओपनिंग वीकेंड पर इन दोनों फिल्मों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब भाई सलार को आने में कुछ ही दिन बचे हैं और हाल ही में सलार में अहम रोल प्ले करने वाले पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने किरदार वर्धमान के बारे में एक इंटरव्यू में बात की है। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि ट्रेलर देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि वर्धमान का किरदार काफ़ी इंटेंस होने वाला है, तो क्या वर्धमान इंटेंस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वर्धमान एक इंटेंस कैरेक्टर है और सलार फिल्म ही वर्धमान और प्रभास के देवा के कैरेक्टर के बीच ही फ्रेंडशिप पैट पे बेस्ड है। दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा कि KGF 2 की शूटिंग के दौरान प्रशांत ने उन्हें सलार की स्क्रिप्ट सुनाई थी और जब उन्होंने खुद को एज वर्धा इमेजिन किया तो वो उनके परफेक्ट लगे। दोस्तों, और साथ ही ये काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने काफ़ी वक्त के बाद सुनी। साथ ही प्रशांत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका एक फिल्म का हिस्सा बनना काफ़ी सही फैसला था, क्योंकि प्रशांत एक ऐसे डायरेक्टर है जो पूरा का पूरा शॉट ही बदल सकते हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगा कि आपका इनपुट सही है और वो दोस्तों आपको हमेशा ही इंक्लूडेड फील कराते हैं, और ये बात उनके लिए काफ़ी अहम थी। उनके साथ दोस्तों जब पृथ्वी से ये पूछा गया कि फिल्म में वर्धा और देवा काफ़ी अच्छे दोस्त है लेकिन क्या आप ऑफसेट उनका और प्रभास का इक्वेशन ऐसा ही है, तब दोस्तों उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है कि आप प्रभास को जानो और उनके दोस्त ना बनो। आगे उन्होंने कहा कि उनके काफ़ी कम दोस्त हैं और प्रभास उनमें से एक हैं जिनके साथ वो कॉन्स्टेंटली इन टच रहते हैं और उनके मैसेजेस पर बात भी होती है। उनका मानना है कि प्रभास के पास दूसरों की खुशी में खुश होने का एक गिफ्ट है। वो जब भी सेट पर होते हैं अपने आसपास सभी को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं, सबके साथ खाना खाते हैं, और उनके साथ काम करने के बाद उन्हें ये समझ में आ गया कि लोग उन्हें डार्लिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सच में एक डार्लिंग है और डाउन टू अर्थ है। और दूसरी पहली बार नहीं है कि प्रभास की किसी को स्टार ने उनकी तारीफ की है, हमारे डार्लिंग है ही ऐसे कि किसी को भी दोस्तों उनके साथ काम करना अच्छा ही लगता है। इसके साथ ही जब पृथ्वी से ये पूछा गया कि सलार को लेकर जो अभी तक जो सामने आया है क्या फिल्म में उससे भी ज़्यादा है, तब उन्होंने कहा कि अभी हमने पूरी सलार नहीं देखी है और अभी तक जो सामने आया है उससे काफ़ी ज़्यादा सलार ऑफर करने वाली है। ऑडियंस को सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि एक अच्छा ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है और उनके लिए परफेक्ट और एक ग्रेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सलार का पार्ट 2 भी इसी लेवल का है।
अब पृथ्वीराज सुकुमारन की बातों से तो यही लग रहा है कि वो अपनी इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनकी और प्रभास की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है। आपका इसके प्रति कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी। एक गैंग मेंबर बनना हलवा नहीं है बेड़ो, समझा? क्या है सालार फिल्म के फ्लॉप होने के चांसेस? भाई सालार का ये पहला पार्ट जिसे सीज फायर नाम दिया गया है उसमें किसी जंग की शुरुआत होकर रुकने की खबर है, और जिस तरह से जब टीजर में सालार को इंट्रोड्यूस किया गया और जुरासिक पार्क का मेंशन किया गया तब वो अफ्रीकी गैंगस्टर डर जाते हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि सालार का डर 11 मुल्कों तक फैला हुआ है। साथ ही सालार के किरदार को जिस तरह से रॉकी भाई के ऑपोजिट दिखाया है वो भी इंटरेस्टिंग है, जिससे हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों अगर एक साथ टीम में काम करेंगे तो डेडपूल और स्पाइडरमैन वाली ही फीलिंग आने वाली है। साथ ही यहाँ सोचने वाली बात तो ये भी है कि इतने सारे सालार प्लस KGF के जो कनेक्शन सामने आए हैं उनका कोई एक्चुअल में मतलब होगा भी या नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि हम इतने सारे अनुमान लगा रहे हो लेकिन सालार में रॉकी भाई की एंट्री ही ना हो, या फिर सालार KGF यूनिवर्स का हिस्सा ही ना हो। लेकिन हाल ही में दीपावली पर रिलीज हुई Tiger 3 में जिस तरह से SRK के पठान के किरदार के साथ साथ ऋतिक रोशन के मेजर कबीर के किरदार की एंट्री हुई, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि स्पाई यूनिवर्स पूरी तरह से एक यूनिवर्स से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है और अपनी फिल्मों को इंटरकनेक्ट करके अपने किरदारों के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है, जिससे आगे चलकर स्पाई यूनिवर्स के पास मूवी आइडियाज की कमी ना हो, जिसे हॉलीवुड के हर मूवी यूनिवर्स में अनलिमिटेड पार्ट्स आते ही रहते हैं। और ऐसे ही अगर प्रशांत नील को अपना एक यूनिवर्स क्रिएट करना है तो कैसे भी करके उन्हें रॉकी और सालार का कनेक्शन दिखाना होगा। फिर वो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच हुई सिविल वॉर की तरह भी हो सकता है, या फिर एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह भी हो सकता है। या तो वो आपस में लड़ेंगे या फिर वो एक सिमिलर एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन दोनों का एक स्क्रीन पर आना जरूरी है। साथ ही अगर हम प्रभास के किरदार को रॉकी भाई के जैसा मानते हैं तो जगपति बाबू का किरदार अधीरा जैसा है, जो उनके फर्स्ट लुक पोस्टर को देखकर ही पता लग जाता है। तो वहीं पृथ्वीराज का किरदार गरुड़ा जैसा होने वाला है, जिनकी एक झलक हमने टीजर में देखी, और उनके किरदार और गरुड़ा में एक सिमिलैरिटी भी है जो है दोनों के सीरियस एक्सप्रेशन और साथ ही काला टीका जो गरुड़ा लगाता था वही पृथ्वीराज के किरदार ने भी लगाया है, और इन दोनों के बीच एक काफी तगड़ा कनेक्शन भी निकल कर आने वाला है। तो आपके क्या विचार हैं, सालार का KGF के साथ कनेक्शन होगा कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। तो हमारी प्यारी ऑडियंस, डंकी का टीजर देखा कि नहीं? नहीं नहीं, कि इस वीडियो में हम सालार को लेकर ही बात करने वाले, पर क्या है ना कि आजकल सालार और डंकी हम साथ साथ है वाला गाना गाकर एक साथ चर्चा में रहते हैं, इसलिए पूछा मैंने। खैर, प्रभास की सालार दिसंबर में रिलीज होने वाली है और अब नवंबर महीना तो शुरू हो चुका है, जिसके चलते मेकर्स कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाने वाले हैं, कुछ बढ़िया प्लान करने वाले हैं। वैसे सालार के मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है ये बस वही जाने, पर ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक गाना हमें देखने को मिलेगा। वैसे ये भी कहा जा रहा था कि प्रभास एक स्पेशल सॉन्ग नवंबर में शूट करने वाले हैं, उसके साथ कुछ पोस्टर्स भी सामने आएंगे और जिसमें 6-7 पोस्टर्स हो सकते हैं। वैसे प्रभास के जन्मदिन पर आया पोस्टर फैंस को नाराज करके चला गया था, पर अब ऐसा ना हो। वैसे फिल्म की कास्ट में से किसी ने एक इंटरव्यू के वक्त कहा था कि नवंबर महीने में सालार की टीम सिर्फ प्रमोशन पर ही ध्यान दे सकती है, पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन। अब ये डंकी की वजह से है या अगर ये क्लैश ना भी होता तब भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाती, ये तो वही जाने। वैसे पहले ये भी बताया गया था कि 2 ट्रेलर्स भी आ सकते हैं, पर उसके बारे में अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है, इनके प्लान्स चेंज होते रहते हैं। एक ट्रेलर प्रभास के जन्मदिन पर लाया जाने वाला था और दूसरा नवंबर में,
पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जैसे ही टीजर रिलीज हुआ जिसमें हमें केजीएफ वाइब्स आ रही थी, क्योंकि ये फिल्म केजीएफ यूनिवर्स में ही बनाई जा रही है, तो उसकी वजह से फिल्म का बज काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो वहां पर कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि आगे चलकर प्रमोशन में डायरेक्टर प्रशांत नील SS राजामौली को भी ग्रैंड प्रमोशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं और बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया जा सकता है। वैसे सालार के मेकर्स अपने प्रोडक्ट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पर वो प्रमोशंस में कमी तो नहीं रखेंगे क्योंकि सामने डंकी का बहुत बड़ा चैलेंज जो है, और अपनी फिल्म की मैसिव ग्रोथ देखने के लिए सालार के मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं। कोई बढ़िया सा पब्लिक इवेंट भी कर सकते हैं, थ्रिलर को किसी खास दिन पर भी ला सकते हैं, पर इस पर मोहर लगना अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो लेट्स वेट कि ये कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाले हैं जिससे नवंबर में दिवाली के साथ साथ एक और बढ़िया धमाका हो जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। Tiger, elephant, very dangerous. वैसे दोस्तों देखा जाए तो साल 2023 खुद को बहुत खुशनसीब मानता होगा, क्योंकि इस साल को पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्मों के दर्शन हुए हैं, जिसमें पठान है, जवान है, गदर 2 है, लियो है और अब टाइगर 3 है। और अभी तो स्टॉक बाकी है जिसमें आती है प्रभास की सालार, शाहरुख खान की डंकी और रणबीर कपूर की एनिमल। वैसे इसमें से गदर 2 और डंकी को छोड़ दे तो बाकी सारी फिल्में जबरदस्त मास मसाला फिल्में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साल मास मसाला फिल्मों से भरा पड़ा है। और अब ऐसे भी प्रभास की सालार भी मैदान में उतरने वाली है, पर एक और एक्शन मसाला फिल्म देखने मिलेगी, ये एक पॉजिटिव साइड होगा। तो दूसरा साइड ये भी हो सकता है ना कि बार बार सिर्फ एक्शन फिल्म ही हमें देखनी पड़ेगी क्या? मतलब नॉन स्टॉप एक ही जनर की फिल्में देख देख कर 10 में से 5 बंदे तो बोर हो जाएंगे ना। अब आप कहेंगे इसीलिए तो दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है, अगर सालार नहीं देखनी तो डंकी देख लो। पर नहीं, अभी तो हम बात सालार की कर रहे हैं ना, तो उसी की करते हैं। और सालार में कूट कूट कर एक्शन सिक्वेंसेस भरे पड़े हैं। 750 व्हीकल्स के साथ एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं। इतना ही क्यों, 20 मिनट का एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस भी है जो समुंदर में देखने को मिलेगा। और डार्क सेंट्रिक टीम के साथ सालार बनाई जा रही है तो उसका इम्पैक्ट काफी पावरफुल होता है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस चक्कर में हमें एक्शन का ओवरडोज मिल जाए। दरअसल थलापति की लियो बॉक्स ऑफिस पर अच्छे आंकड़े इकट्ठे कर रही है, पर इसके सेकेंड हाफ को लेकर कुछ रिएक्शंस ऐसे भी आए थे कि सेकेंड हाफ में बहुत फाइट सीक्वेंस दिखाने से लोग तंग आ गए हैं, बोर हो गए हैं। अगर हम टाइगर 3 की बात करें तो सलमान खान की फिल्म जलवा तो दिखा रही है, पर इसमें भी बहुत ही ज्यादा एक्शन है और ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस है ना जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारे इमेजिनेशन से कोसों दूर है। और कहीं कहीं पर तो ये ठीक से एग्जीक्यूट भी नहीं किया गया है, पर इससे होता यह है ना कि कभी कभी स्टोरी लाइन को धक्का पहुंच जाता है अगर ठीक तरह से बैलेंस बनाकर ना रखे तो। ऊपर इसमें वॉयलेंस भी होगा, और अगर रणबीर के एनिमल फिल्म देखे तो उसमें भी एक्शन है, ड्रामा है और वॉयलेंस तो भाई कूट कूट कर है। और दोनों फिल्मों के डायरेक्टर्स इसकी गारंटी देते हैं कि हमारी फिल्में मोस्ट वॉयलेंट फिल्में होगी। तो सोचिए कि वॉयलेंस के मामले में भी ये लोग एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वॉयलेंस का भी ना अब ओवरडोज मिल जाए। तो ऐसी हालत में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो कि प्रभास की फिल्म के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। अभी कहीं कहीं जगह पर नॉर्थ में स्पेशली एक्शन फिल्मों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का बहुत बड़ा काम सालार को करना पड़ेगा। पर दूसरी बात यह है कि चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर हैं जो कंटेंट के मामले में कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ एक्शन का ओवरडोज नहीं दे सकते, क्योंकि केजीएफ एग्जांपल तो हमारे सामने है ही,
ऐसे में सालार में एक्शन सीक्वेंसेस का ओवरडोज नहीं होगा बल्कि सही बैलेंस दिखाई देगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। कोई फिल्म बनाते हैं कि कंटेंट इज किंग और ऑडियंस भगवान है, हमारी जज है, उन्हीं की फिल्मों को 500 हजार करोड़ क्लब में खेलने का मौका मिलता है। और जो ये बात ध्यान में नहीं रखते उनकी भैंस पानी में चली जाती है। अब आप कहेंगे कि सालार को लेकर ये सब कहने की क्या जरूरत है? जरूरत तो है ना भाई, सालार में प्रभास का स्टारडम है, डायरेक्टर प्रशांत नील का डायरेक्शन है, पर आप स्टोरी भी तो देखोगे ना, ये स्टोरी तो होती है जो हमें 3 घंटे बिठा कर रखने का दम रखती है। तो ये सब कहने की वजह ये है कि प्रभास ने हैट्रिक बनाई थी, वो भी फ्लॉप फिल्मों की, जिसकी वजह थी बहुत ही बकवास स्टोरी लाइन। अब वो 3 फिल्में आपको पता ही होंगी, साहू, राधे श्याम और आदि पुरुष। पर सालार में प्रभास ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहते हैं और ना ही कोई और। उनका माइंडसेट है कि अब ऐसा करना है कि बस अच्छा काम करना है, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर इज इक्वल टू 1000 करोड़। अब प्रशांत नील जो केजीएफ यूनिवर्स में सालार बना रहे हैं तो उसकी वजह से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी लाइन दमदार होगी और यही देखते हुए प्रभास ने इस फिल्म को साइन किया है। अब कंटेंट इज किंग तो है ही, पर शाहरुख खान जो फिल्मों के किंग है उनकी डंकी भी प्रभास के सामने है। और आपको पता है ना कि डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने 2021 में मल्टीपल ड्राफ्ट बनाए थे ताकि फिल्म के सेकेंड हाफ को मजबूत बना सके। उन्होंने सेकेंड हाफ के लिए पता नहीं कितनी बार उसे रीराइट किया होगा अपने राइटर्स टीम के साथ, क्योंकि एक बार स्टोरी पक्की बन गई तो फिल्म का आधा सक्सेस तो वहीं पर फिक्स होता है। तो अगर हिरानी की फिल्म को टक्कर दे रहे हैं जो स्टोरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जिनकी स्टोरी फिल्म को परफेक्ट बना देती है, तो ऐसे मामले में सालार की स्टोरी भी उसी तरह की होनी चाहिए। वैसे ये बात तो है ही, अब स्टोरी कैसी है ये तो वक्त आने पर ही मालूम चल पाएगा। पर प्रभास के ऊपर अब 1500 करोड़ का प्रेशर है, जैसे उनकी अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 AD 600 करोड़ के साथ बन रही है, फिर उनकी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म 250 करोड़ में बन रही है, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ 250 करोड़ की स्प्रिट फिल्म को वो बना रहे हैं और सालार का बजट 400 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब कुल मिलाकर 1500 करोड़ का प्रेशर अब प्रभास के कंधों पर है। देखते हैं कि प्रभास पर लगाए जाने वाला ये पैसा वसूल होता है या फिर नहीं, और इन सब में पहली रिलीज होगी सालार। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, प्रभास क्या इस बार हमारे उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े क्लैश में से एक को देखने के लिए तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर डंकी वर्सेस सालार के हाई वोल्टेज क्लैश की, जहां दोनों फिल्मों के डायरेक्टर्स फैंस को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं प्रभास यानी कि सालार का केजीएफ स्टार यश के किरदार रॉकी भाई के साथ कनेक्शन पूरे के पूरे क्लैश को सालार की तरफ ज्यादा झुकाता है। साथ ही हम ये भी नहीं कह सकते कि ये एक अफवाह है, क्योंकि केजीएफ यूनिवर्स के डाई हार्ट फैंस ने हमारे सामने ऐसी कई सारी थ्योरीज रख दी है जिन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केजीएफ और सालार एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इन सभी थ्योरीज में से मेरी सबसे फेवरेट थ्योरी है सालार का रॉकी भाई को बचाना, लेकिन फरमान बनकर नहीं, हम यहाँ ऐसी थ्योरी की बात कर रहे हैं जिसके हिसाब से सालार को रॉकी भाई को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट उसे अफ्रीकी गोल्ड स्मगलर ने दिया है, जिसे रॉकी का
उसके देश में आकर उस पर राज करना जरा भी पसंद नहीं आया। और साथ ही रॉकी ने 16 मुल्कों में जो क्राइम्स किए हैं उसके बाद उसके दुश्मन भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ये अफ्रीकी स्मगलर, क्योंकि उसे रॉकी और इनायत खलील दोनों ने ही धोखा दिया है। रॉकी भाई की डायरेक्ट डील, रॉकी की डायरेक्ट डील तो आपको याद ही होगी, जिसका जिक्र केजीएफ 2 में हुआ था। और उसी डील को पूरी करने के चक्कर में उसने अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा दी। और अब इस अंडरवर्ल्ड के डॉन ने अपने लेफ्ट हैंड मैन यानी कि सालार को रॉकी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उसे पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन जब सालार केजीएफ में आता है तो वो देखता है कि रॉकी मर चुका है। और फिर जब वो केजीएफ के लोगों से मिलता है और रॉकी के बारे में सुनता है तो उसे रॉकी इम्प्रेसिव लगता है। और सालार का किरदार भी रॉकी की तरह ही है, इसलिए वो इस किरदार को जानने की कोशिश करेगा, उसे समझेगा और आखिर में उसका फैन बन जाएगा और अपने बॉस को धोखा देकर रॉकी से हाथ मिला लेगा। और फिर ये दोनों मिलकर रॉकी की माँ का सपना पूरा करेंगे। लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले रॉकी और सालार के बीच फाइट होगी और फिर वो दोनों एक होंगे। ये थ्योरी बाकी सभी थ्योरी से अलग है और लॉजिकल भी है, इसलिए मेरे हिसाब से हम ऐसा कुछ सालार में देखना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। कौन सी फोटो लीक हुई प्रभास की? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो अपने पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवीज बन चुकी है। सलार मूवी होमेबल फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रोड्यूस हो रही है, जिसके प्रोड्यूसर हैं विजय। केजीएफ की फ्रेंचाइजी भी होमेबल फिल्म्स के अंडर ही प्रोड्यूस हुई है। सलार मूवी के मेन स्टार हैं प्रभास और इनको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने सुसाजा मौली की फिल्म बाहुबली में काम किया है और बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडियन सिनेमा की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी एक्टिंग उस फिल्म में लोगों को काफी पसंद भी आई थी। प्रभास ने भी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर है, जिसका नाम है राधे श्याम। और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी मूवीज करी हैं, जैसे मिर्ची, साहू और रिबेल। इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। श्रुति हसन ने बॉलीवुड फिल्म्स में काफी काम किया है, जैसे लक, जिसमें संजय दत्त भी थे, और रमैया वस्तवैया भी। और साथ ही श्रुति हसन के फादर को सभी जानते हैं कि वो कितने महान एक्टर हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल बाद एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए उनके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी लास्ट फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में पुलिस पुलिस थी, जो 2010 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं इस फिल्म के बारे में। सलार फिल्म की शूटिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिल्म मेकर्स फिर से बिजी होंगे केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग के लिए। बट अभी इस मंथ सलार फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले फिल्म के मेन एक्टर प्रभास की नी सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल फिटनेस पर अफेक्ट हुआ है और उनका वेट बढ़ गया है। प्रभास सलार फिल्म की शूटिंग जून में स्टार्ट करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर सलार फिल्म की फोटो लीक हो गई थी, जिसमें प्रभास सूट में खड़े हुए हैं और फिल्म मेकर्स बहुत कंसर्न थे इस चीज को लेकर, क्योंकि एक सरप्राइज एलिमेंट वो जो चाहते हैं कि ऑडियंस को मिले वो नहीं मिलेगा अगर ऐसी फोटोज लीक हो जाएंगी। तो फैंस को प्रभास की लीक फोटो बहुत ज्यादा पसंद आई है और वो इस फोटो को देख के फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। अभी तक सलार फिल्म से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, जिसकी वजह से फैंस काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने प्रॉमिस किया था फैंस को कि मई मंथ में फिल्म के बारे में कोई ना कोई डिटेल वो शेयर जरूर करेंगे। सलार शूटिंग के पहले प्रभास प्रोजेक्ट के फिल्म की भी शूटिंग करेंगे, जिसमें वो अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटनी के साथ दिखाई। प्रभास की ऑलरेडी एक फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुकी है और साथ ही प्रशांत की भी एक फिल्म 1000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। प्रभास और प्रशांत नील की इस फिल्म से लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रेपुटेशन कुछ ऐसी ही बना ली है। ऐसे में फिल्म मेकर्स के लिए टफ हो जाता है फैंस के एक्सपेक्टेशन से मैच करना, बट प्रशांत नील और प्रभास पूरा ही ट्राई कर रहे हैं कि फैंस को उन्हीं के लिए फिल्म पसंद आए।
हो सकता है कि इस फिल्म में हमें केजीएफ के स्टार यश भी दिखाई दें, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर विजय ने ये कहा था कि वो ट्राई कर रहे हैं इन फिल्म्स को मार्वल यूनिवर्स की तरह बनाने का, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। हाई बजट आइडिया लेकर आए हैं प्रशांत नील, कैसा होगा प्रभास का लुक इस फिल्म में? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। पैन इंडिया स्टार प्रभास बहुत जल्द अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर सलार की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। प्रशांत नील जो केजीएफ के डायरेक्टर हैं और उनकी टीम ने इस फिल्म के मैसिव एक्शन सीक्वेंस को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने ट्विटर का सहारा लिया फिल्म के बिहाइंड द सीन को शेयर करने के लिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रशांत नील आर्ट डायरेक्टर शिवा कुमार को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कैप्टन @ प्रशांत नील एंड आर्ट डायरेक्टर @ शिवा कुमार आर्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एक्शन सीक्वेंस। प्रभास के अलावा सलार फिल्म में श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू, मधु गुरु स्वामी और ईश्वरी राव हैं। इस फिल्म में प्रभास एक डायनामिक रोल में दिखने वाले हैं और श्रुति हसन इस फिल्म की फीमेल लीड कास्ट है। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी और मेकर्स इस फिल्म को 2023 तक रिलीज करेंगे। इस फिल्म के टेक्निकल क्रू में सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा और फिल्म डायरेक्टर रवि बसरूर हैं। इस फिल्म का प्रोडक्शन भी वही प्रोडक्शन हाउस कर रहा है जिसने केजीएफ को प्रोड्यूस किया था, यानी कि होमेबल फिल्म्स। जिस तरह से इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म भी केजीएफ की तरह ऑल इंडिया सिनेमा हिट होने वाली है। हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें प्रभास को काफी एस्थेटिक लुक में देखा जा सकता है। प्रशांत इस समय एक तेलुगु फिल्म बगीरा पर काम कर रही हैं, जो इसी साल रिलीज होने वाली है। प्रशांत इस फिल्म में राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले का रोल प्ले कर रहे हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। प्रभास के लिए ये प्रोजेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज उनकी लास्ट फिल्म राधेश्याम इतना टाइम पैक नहीं कर पाई थी जिस प्रकार की उनकी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि सलार कैसे इम्पैक्ट करने वाली है इंडियन सिनेमा पर। सुपरस्टार यश के बाद प्रशांत ने प्रभास पर दाव लगाया है तो कुछ सोचकर तो लगाया होगा, क्योंकि वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली सीरीज के सुपरस्टार्स हैं। ऐसे में फिल्म को भी ब्लॉकबस्टर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी आ गए हैं। दोस्तों प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवी बन चुकी है। सलार मूवी होमेबल फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रोड्यूस हो रही है, जिसके प्रोड्यूसर हैं विजय। केजीएफ की फ्रेंचाइजी भी होमेबल फिल्म्स के अंडर ही प्रोड्यूस हुई है। सलार मूवी में मेन स्टार हैं प्रभास और इनको अब पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इन्होंने एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली में काम किया था और बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडियन सिनेमा की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी एक्टिंग लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। प्रभास ने भी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो अमेजोन प्राइम वीडियो पर है, जिसका नाम है राधेश्याम। और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स करी हैं, जैसे मिर्ची, साहू और रिबेल। इस फिल्म में प्रभास के साथ साथ और भी टैलेंटेड एक्टर्स काम कर रही हैं, जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। श्रुति हसन ने बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है, जैसे लक, जिसमें संजय दत्त भी थे, और रमैया वास्तवैया भी। और साथ ही श्रुति हसन के फादर को सभी जानते हैं कि वो कितने महान एक्टर हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल बाद दोबारा से एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी लास्ट फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री में पुलिस पुलिस थी, जो 2010 में रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों थोड़ी सी और चीजें बताते हैं आपको इस फिल्म के बारे में। बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2 और ट्रिपल आर के बाद फैंस साउथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं। और जब से लोगों को पता लगा है कि बाहुबली के स्टार और केजीएफ फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर साथ ही काम कर रहे हैं, तब से लोग सलार फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बट रिसेंटली ही किसी एक फैन ने थ्रेटनिंग नोट लिखा और उसमें मेंशन किया कि सलार फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है बहुत टाइम से और ना कोई ग्लिम्स आ रही है, और अगर कुछ टाइम में अपडेट नहीं आती है इस फिल्म को लेकर तो वो फैन अपनी जान दे देंगे। सोशल मीडिया पर ये नोट वायरल हो गया है। सलार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कुछ टाइम पहले फैंस को प्रॉमिस किया था कि वो इस फिल्म को लेकर जल्दी अपडेट देंगे, बट किसी रीजन की वजह से वो इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए और एक महीने से ज्यादा हो गया, जिसको लेकर फैंस ना खुश हैं। फैंस ने अपने इस लेटर में ये भी लिखा है कि पहले भी ये हो रहा था कि राधेश्याम मूवी के टाइम पर, और अब ये फिर से हो रहा है। प्रभास की इंजरी की वजह से ऑलरेडी शूट डिले हो गई है पहले से, जिसकी वजह से मेकर्स खुद टेंशन में हैं।
दोस्तों स्टैन ने ये भी मेंशन किया है कि अगर सलार फिल्म का टीजर नहीं रिलीज होता इस मंथ तो वो अपनी जान दे देगा। सलार फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और फैंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। इस एक्शन पैक फिल्म को लेकर फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। इस फिल्म की चीजें बहुत ज्यादा डिले इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि प्रभास खुद काफी मूवीज को लेकर बिजी हैं, जैसे प्रोजेक्ट के और आदि पुरुष, और साथ ही प्रशांत नील भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी हैं, जो शायद NTR के साथ दिखेंगे। इतनी सारी चीजों की वजह से सलार फिल्म में कुछ कुछ चीजें डिले हो गई हैं। सभी एक्साइटेड रहते हैं फिल्म्स के लिए और फैंस ऑलरेडी एक दो साल से वेट कर रही हैं अपनी फेवरेट स्टार को देखने के लिए थिएटर्स पर। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे थ्रेटन करेंगे फिल्म मेकर्स को। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सालार एक अपकमिंग इंडियन फिल्म एक्शन है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स के लिस्ट में आ गए हैं। प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस बन चुकी है। इस फिल्म में मेन स्टार प्रभास है और उनके साथ इस फिल्म में श्रुति हसन भी दिखेंगी। प्रभास ने अभी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो Amazon प्राइम वीडियो पर ही है, जिसका नाम है राधे श्याम। और इस मूवी के अलावा भी इन्होंने बहुत मूवीज करी है, जैसे मिर्ची, शाहो और रिबेल। बाहुबली 2, KGF चैप्टर 2 एंड RRR के बाद फैंस साउथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं। और जब से लोगों को पता चला है कि बाहुबली के स्टार और KGF फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर साथ ही काम कर रहे हैं, तब से लोग सालार फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। सालार नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है और साथ में इस फिल्म से कम्पीट करने वाली बहुत सारी फिल्म्स होने वाली है। सबसे मेन जो चीज है वो ये है कि सालार मूवी के कंपटीशन में शाहरुख खान की फिल्म पठान होने वाली है। पठान फिल्म में काफी फेमस एक्टर्स होने वाले हैं बॉलीवुड के, जैसे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। शाहरुख खान मेन लीड है इस मूवी के और इसमें शाहरुख खान का रोल बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। पठान मूवी के बारे में एक और चीज जो पता चली है वो है कि इस मूवी में जॉन अब्राहम का रोल कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, उनकी कोई भी नेशनलिटी नहीं है और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। मूवी में वो रशियन माफियाज के लिए काम करते हैं और इंडिया में कोवर्ट गन रैकेट रन कर रहे हैं। पठान मूवी के बारे में ये पता चला है कि इवेंचुअली जॉन अब्राहम की SRK और दीपिका पादुकोण से लड़ाई भी हो गई है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मिशन पर होते हैं इस रैकेट को बर्स्ट करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में सलमान खान बहुत कम सीन्स के लिए दिखेंगे टाइगर के रोल करते हुए। उनका कैरेक्टर शाहरुख खान को रशियन माफिया से बचाने का है। SRK पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। उनकी मूवीज जो होती है ज्यादातर हिट ही होती है। शाहरुख खान खुद में ही बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है। हम सब ने शाहरुख खान की मूवीज देखी हुई है और मूवीज को देखते ही समझ जाता है कि मूवी का बजट काफी ज्यादा है, क्योंकि आखिर वो फिल्म है तो शाहरुख खान की ही। रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है कि पठान मूवी के लिए शाहरुख खान ने 100 करोड़ लिया है, जो उन्हें इंडिया का हाईएस्ट पेड एक्टर बनाता है। SRK इस मूवी में एक न्यू लुक के साथ दिखाई देंगे और साथ ही उनका लुक भी इस फिल्म के लिए बहुत इंटेंस है। SRK के अलावा भी जॉन अब्राहम ने इस मूवी के लिए 20 करोड़ फीस रखी है और दीपिका पादुकोण ने 15 करोड़ लिया है। पठान मूवी में बताया जा रहा है कि आशुतोष राणा का रोल इस मूवी में एक रॉ जॉइंट सेक्रेटरी का होगा। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने कहा कि इस मूवी में आशुतोष राणा को कास्ट करने का आइडिया उन्हें उनकी मूवी वॉर से मिला। आशुतोष राणा ने डिंपल कबाड़िया और SRK के साथ ऑलरेडी शूटिंग स्टार्ट कर दी है मुंबई के यश राज स्टूडियोज में। डिंपल कबाड़िया का रोल इस मूवी में रॉ एजेंट का होगा। कैसा था इनका बचपन और क्यों बना इनका स्टैच्यू? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज मैं आपकी होस्ट कनिका लिंबा सलार मूवी के लीड एक्टर प्रभास की लाइफ के बारे में बताऊंगी। ये 2023 में आने वाली फिल्म है और साथ में श्रुति हसन लीड में है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभास की गाथा। किसी भी एक्टर की तरह प्रभास एक नॉर्मल एक्टर थे जो समय समय पर मूवीज करते थे, कुछ हिट होती तो कुछ फ्लॉप। 2015 में जब ब्लॉकबस्टर बाहुबली द बिगनिंग आई, वो प्रभास के लिए बैरियर ब्रेक कर गई। जब कोई भी एक्टर अपनी जिंदगी के 5 साल किसी मूवी में लगाने का चांस नहीं लेना चाहते, तब प्रभास ने ये चांस लिया और आप तो इसका रिजल्ट जानते ही हैं। और वो कहां पहुंच गए ये हम सबको पता है। वेंकटेश सत्यनारायण प्रभास राजू उपल पाटी इनका पूरा नाम है। 1979 में प्रोड्यूसर सूर्य नारायण राजू के घर पैदा हुए।
ये एक प्रोड्यूसर और एक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो टैलेंट इनके खून में ही दौड़ता है। पर आपको शॉन की ये हैरानी होगी कि ये कभी भी सुपरस्टार बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि ये बनना चाहते थे एक बिजनेसमैन। पर किस्मत तो देखिए, इनके अंकल उपल पाटी कृष्णन राजू जो एक एक्टर थे, उन्होंने इन्हें इंडस्ट्री में ट्राई करने को कहा, और इसी के साथ 2002 में प्रभास की पहली मूवी ईश्वर आई। पर ये ज्यादा चल नहीं पाई। अगली मूवी 2003 में आई रघुवेंद्र भी फ्लॉप हो गई, पर 2004 में वर्षन जो ब्लॉकबस्टर रही और इनके करियर को इसने उड़ा दिया। इन्होंने रोमांटिक और एक्शन थ्रिलर दोनों ही जॉनर में काम किया। अब आया इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जहां से SS राजमौली की 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग। ये मूवी कई लैंग्वेजेस जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में भी रिलीज हुई। ये मूवी थर्ड हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट देने वाली मूवी बन गई और इससे प्रभास को काफी ज्यादा अप्रिशिएशन मिला। इस हिस्टोरिक मूवी में एक्टर्स तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुपति, राम्या कृष्णन और नस्सर ने भी प्रभास के साथ काम किया। ये मूवी क्लाइमेक्स के सस्पेंस पे छोड़ गई और ऑडियंस ने बहुत ज्यादा वेट किया इसके पार्ट 2 के लिए, जो 2017 में बड़े पर्दे पर आया। बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने पहले ही दिन 10 दिन के अंदर ही 100 करोड़ से ज्यादा कमाया। इसके बाद प्रभास पहले ऐसे एक्टर बने जिनका वैक्स स्टैचू मैडम तुसॉ वैक्स म्यूजियम लंदन में बना और ये यूनिवर्सल स्टार बन गए। अब ये सलार मूवी में श्रुति हसन के साथ नजर आएंगी और इसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इसी के साथ मैं हम आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और का मतलब प्रशांत नील का जमाना, तेलुगु फिल्म में प्रशांत की एंट्री, फिल्म का लोकेशन हुआ तय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सालार डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म। इस फिल्म में हमें प्रभास और श्रुति हसन लीड रोल में नजर आएंगे। प्रशांत अपनी डायरेक्शन की कला से कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स बढ़ा चुके हैं। प्रशांत का तेलुगु इंडस्ट्री में ये पहला प्रोजेक्ट है। सालार का बजट 200 करोड़ होगा और सिर्फ प्रभास की फीस ही 100 करोड़ होगी। जी हाँ दोस्तों, बजट का 50% हमें प्रभास की जेब में जाता दिखेगा। प्रभास ने फिल्म बाहुबली में अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित किया और पूरे दुनिया में अपनी एक्टिंग से नाम बनाया। प्रभास काफी इंट्रोवर्टेड और सिंपल इंसान है। वहीं पर प्रशांत नील इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में अपनी जगह बना रहे हैं। प्रशांत के 3 पार्ट में बनी और बनने वाली फिल्म KGF काफी ज्यादा हिट रही और लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन और एक्शन सीन्स ने लोगों का दिल जीत लिया। सिनेमा घरों में खूब सीटी भी बजी। KGF चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का कलेक्शन किया और KGF 2 ने 1200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ये सारे फिल्म्स की वजह से प्रशांत नील और उनके साथ काम कर रहे एक्टर्स का भी सितारे चमक रहे हैं। लोग ये फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये थी प्रशांत से जुड़ी खबरें। अब हम बात करेंगे फिल्म के लोकेशन की। फिल्म के शूटिंग की शुरुआत विशाखापट्टनम से किसी गोल्ड माइन से शुरू हुई। हमें इस फिल्म में भी कुछ माइनिंग से कनेक्शन दिख सकता है। फिल्म की 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म हमें 2023 के समर में रिलीज होती हुई दिखाई दे सकती है। सालार 2023 की हाईली एंटिसिपेटेड मूवी रहेगी। ये प्रशांत का तेलुगु फिल्म में पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए प्रशांत काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। साथ ही साथ बाहुबली के एक्टर प्रभास भी फिल्म सालार में हमें श्रुति हसन आद्या का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी और ये एक रोमांटिक एक्शन मूवी होगी। श्रुति हसन को इस फिल्म में 1 करोड़ का पेचेक भी मिलेगा। श्रुति हसन काफी कम फिल्म्स में आई है। श्रुति आखिरी बार अमेजन प्राइम की वेब सीरीज बेस्ट सेलर में नजर आई थी। तो दोस्तों, ये थी सालार से लेके कुछ खबरें। इस फिल्म के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। क्यों हुए थे प्रशांत नर्वस? किसने रची फिल्म की कहानी? क्या हमें दिखेगा ब्रोमेंस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म सालार डायरेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में प्रभास और श्रुति हसन दिखाई देंगे। फिल्म के लिए प्रभास हाल ही में वेट लॉस कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत प्रभास की बॉडी पे पोस्ट प्रोडक्शन काम नहीं करना चाहते। इस वजह से प्रशांत काफी नर्वस हैं और चाहते हैं कि प्रभास एक अच्छे फिजिक में आए जिससे उनके शूट प्रशांत अच्छे से शूट कर सके। प्रभास वेट लूज करने में लगभग लग गए हैं और काफी जल्द हमें अच्छे फिजिक में नजर आएंगे, लेकिन प्रभास एक अभी माइनर इंजरी को लेके फेस कर रहे हैं।
जिसे वो जल्दी रिकवर कर लेंगे। रिकवरी के लिए वो स्पेन गए, लेकिन अभी उन्हें कुछ महीनों के लिए रेस्ट करने को कहा गया है। रही बात फिल्म के शूट की, तो शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग तेलंगाना में शूट होनी शुरू हो चुकी है। अब तक 30% शूटिंग हो चुकी है। फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल फरवरी 2021 में रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म अभी हॉट पर आ चुकी है। प्रभास की राधे श्याम और प्रशांत की KGF 2 के रिलीज के कारण खबरों के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग इस साल रैप अप हो जाएगी और 2023 में रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म के शूटिंग को लेके कुछ खबरें। अब हम बात करेंगे किसने लिखी फिल्म की कहानी। तो दोस्तों, ये फिल्म की रचना डायरेक्ट प्रशांत नील ने खुद ही की है। प्रशांत नील काफी क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर हैं। उनकी रची सारी फिल्म्स सुपरहिट रही हैं। प्रशांत की पिछली फिल्म KGF के हिट जाने से इस फिल्म से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और प्रशांत और एक्टर प्रभास के ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया है। प्रशांत की लिखी ये कहानी ओरिजिनल है और ना ही किसी फिल्म का रीमेक। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी। अब हम बात करेंगे फिल्म के कैमियो की। तो दोस्तों, इस फिल्म में हमें मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन कैमियो के रूप में दिखाई देंगे। प्रभास काफी खुश हैं इस मलयालम एक्टर को लेके इस फिल्म में। ये फिल्म का प्रोडक्शन यूवी क्रिएशन ने ग्रैंड स्केल पर किया है 200 करोड़ के बजट के साथ, जिसमें वो 20 करोड़ का बजट सिर्फ एक बीच पे होने वाले एक्शन सीन के शूट करने के लिए लगा दिए। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की पीछे की भुवन गोड़ा को दी गई है। यूवी क्रिएशन ने कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जैसे मिर्ची, राधेश्याम, साहो, रन राजा रन और हैप्पी वेडिंग। अब देखना ये रहेगा कि कैसी होगी इस फिल्म से इनको प्रॉफिट, क्योंकि इनके द्वारा प्रोड्यूस की हुई फिल्म में से कोई भी फिल्म इतनी हिट नहीं रही सिवाय मिर्ची के। इसीलिए ये फिल्म उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फिल्म रहेगी। फिल्म सालार एक्शन और इमोशन पैक्ड होगी। इस फिल्म का एक्शन पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। KGF की सक्सेस को देखकर इस फिल्म में डार्क सेंट्रिक थीम यूज होगी और ये टेक्नोलॉजी फिल्म तैनात, बैटमैन ट्रायलॉजी और मैट्रिक्स, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फिल्म की इमेज और भी बढ़ जाएगी। इस फिल्म में हमें प्रभास और श्रुति के अलावा पृथ्वीराज, सुकुमारन, ऐश्वरी राव और जगपति बाबू दिखाई दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज इस फिल्म में प्रभास के दोस्त के किरदार करेंगे, लेकिन अलग तरह से। ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ा में नजर आएगी। ये फिल्म प्रशांत की पहली फिल्म है तेलुगु में। ये फिल्म के OTT राइट्स के लिए 200 करोड़ की ऑफर हुई थी। इसके साथ एक और बड़ा सवाल रहेगा कि KGF के वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ के कलेक्शन से इस फिल्म के कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। तो दोस्तों, ये थी सालार को लेके कुछ खबरें। इस फिल्म के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रभास की कितना % शूट हुआ है कंप्लीट और आखिर कैसा रहा है श्रुति हसन का करियर। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। फिल्म सलार डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म है, जिसका बजट 200 करोड़ रुपए का है। ये फिल्म एक्शन पैक्ड और धमाकेदार रहेगी। इस फिल्म में हमें लीडिंग रोल में प्रभास और श्रुति हसन नजर आएंगे और इस फिल्म में हमें और भी किरदार नजर आएंगे, जैसे पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और ईश्वरी राव। इस फिल्म में श्रुति प्रभास के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करेंगी और फिल्म में इनका नाम होगा आद्या। वहीं पर प्रभास का नाम होगा सलार और बाबू का नाम होगा राजा मनार। वहीं पर ईश्वरी सलार की माँ का रोल प्ले करेंगी। दोस्तों, इस फिल्म में प्रभास 100 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले हैं और 10% प्रॉफिट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से भी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार प्रभास का पे रहने वाला है। प्रभास 2016 में आई फिल्म बाहुबली से हिट हुए और इतने ज्यादा हिट हुए कि वो पूरे भारत और वर्ल्ड वाइड में फेमस हो गए। इसके बाद बाहुबली 2 आई, जिसने कई सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। इस फिल्म के अलावा प्रभास फिल्म आदिपुरुष में भी 60 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रभास से जुड़ी खबरें। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के रिलीज की। तो ये फिल्म 2023 के सेकंड क्वार्टर में रिलीज होती हुई दिखेगी। ये फिल्म तेलुगु के अलावा मलयालम, कन्नड़, हिंदी और तमिल में भी रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग विशाखापट्टनम में शुरू हुई और 30% शूट कम्प्लीट हो चुका है। ये फिल्म के कुछ सीन्स बल्गेरिया में भी शूट किए गए हैं। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं और सूत्रों की माने तो ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन करने की प्लानिंग कर रही है। प्रभास ने इससे पहले डायरेक्टर राजा मौली के साथ काम किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेलुगु इंडस्ट्री के गॉडफादर की बेटी के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कमल हसन की बेटी श्रुति हसन के बारे में। श्रुति हसन का जन्म मद्रास में हुआ और वो एक्टिंग के साथ साथ सॉन्ग्स भी गाती हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने सॉन्ग का डेब्यू 2000 में किया था फिल्म हे राम से। श्रुति ने फिल्म में एज लीड डेब्यू किया बॉलीवुड फिल्म लक से, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली थी।
श्रुति ने और भी कई फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया है, जैसे तेलुगु, तमिल और कन्नड़। श्रुति अब हमें डायरेक्टर्स फिल्म में दिखाई देंगी। का टीजर हुआ आउट, क्या कहा प्रशांत नील ने। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। पैन इंडिया आजकल ये शब्द काफी सुनने को मिल रहा है, बॉलीवुड टॉलीवुड ये सब खत्म, सिर्फ इंडियन सिनेमा, एक फिल्म हर लैंग्वेज में फैंस तक पहुंचाना। तो ये तब शुरू हुआ जब प्रभास की फिल्म आई थी बाहुबली। लेकिन जितना बड़ा नाम उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, और सालार जैसी प्रभास स्टारर फिल्म में और भी प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये KGF यूनिवर्स की सबसे पहली फिल्म होने वाली है। यूं तो आपने देखा था कि किस तरह KGF 3 और सालार का कनेक्शन पिछले वीडियो में दिखाया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने फैंस के साथ सालार की फर्स्ट टीजर की बात शेयर की थी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का टीजर 2022 के एंड तक आउट कर दिया जाएगा, और शूटिंग के दौरान प्रभास के सीन के कुछ छोटे मोटे पिक्चर्स भी लीक हुए थे। सालार की शूटिंग 30-40% तक पूरी हो चुकी है, और साथ ही इसे अगले साल 2023 के किसी भी शुरुआती महीने में रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल पिछले समय से प्रभास का करियर कुछ खास नहीं रहा था, उनकी फिल्म राधे श्याम बुरी तरह पिट गई थी। ऐसे में वो सालार को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। और एक वजह यह भी है कि इतनी जल्दी टीजर रिलीज क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि KGF की हिट अभी भी लोगों के अंदर ताजा है। ऐसे में अगर प्रभास का टीजर आता है तो प्रभास और यश के कंपैरिजन की बातें शुरू हो जाएंगी, इस वजह से टीजर को थोड़ा सा समय लेकर रिलीज किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी फिल्म खलनायक के बिना अधूरी होती है, तो अगर इस फिल्म के विलन की बात करें तो हीरो के साथ साथ विलन भी बराबरी के होंगे। जी हाँ, फिल्म में मलयालम एक्टर पृथ्वीराज को खलनायक के रूप में देखा जाएगा। पृथ्वीराज एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर मलयालम सिनेमा में काफ़ी काम कर चुके हैं, साथ ही हिंदी और तेलुगु भाषाओं में काम करते देखा जा चुका है। इन्होंने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिनमें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। इनके फिल्मी करियर की शुरुआत नंदनम से हुई थी, ये एक बेहतरीन फिल्म थी। और जहाँ तक बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट है 500 करोड़, और ये एक साथ 12,000 स्क्रीनों पर दिखाई जाएगी। साथ ही प्रशांत भी अपनी आने वाली सारी फिल्मों में किसी भी तरह की कमी नहीं देखना चाहते। फैंस को उनकी फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, और ऐसे में वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों, क्या प्रभास की आने वाली फिल्म सालार के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपना जवाब हमें जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। लाभ करेगी ये फिल्म, कैसे DCT टेक्नोलॉजी यूज करके होगा रेवोल्यूशन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। सालार एक अपकमिंग इंडियन एक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी, और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी आ गए हैं। दोस्तों, प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 डायरेक्ट करी है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस मूवीज बन चुकी है, और ऐसा बताया जा रहा है कि सालार फिल्म नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है, और उसके लिए फैंस अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सालार फिल्म एक्चुअल में मूवी इंडस्ट्री को चेंज कर सकती है अपने काम से। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे सालार फिल्म के रिलीज होने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो सकती है इंडिया की। सबसे पहले तो DCT टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बहुत चांसेस हैं कि रिवोल्यूशन आ जाए फिल्म इंडस्ट्री में। सालार फिल्म में DCT टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसका फुल फॉर्म है डार्क सेंट्रिक थीम, और इस टेक्नोलॉजी से फिल्म की शूटिंग में डार्क शेड आ जाता है, और सालार फिल्म DCT टेक्नोलॉजी यूज करने वाली फर्स्ट फिल्म होने वाली है। फैंस को फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सालार सुपर हिट हो जाए और आगे जाकर और भी फिल्म्स DCT टेक्नोलॉजी यूज करे। इसी रीजन की वजह से सालार फिल्म हो सकती है चेंज कर दे फिल्म इंडस्ट्री को, और हो सकता है DCT टेक्नोलॉजी से और भी मूवीज इंस्पायर हो और यूज करें अपने अपनी फिल्म्स के लिए। आपको बता दें कि DCT टेक्नोलॉजी के अलावा भी एक और चीज है जिससे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। कुछ टाइम पहले फिल्म मेकर्स ने कहा कि सालार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील सोच रहे हैं सालार को एवेंजर्स की तरह बनाने का। सालार में प्रभास होने वाले हैं, और सालार से पहले प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 भी बनाई है, जिसमें मेन हीरो यश थे। अब हो सकता है कि आगे जाके किसी फिल्म में यश और प्रभास दिखाई दे। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्वल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, और मार्वल वर्ल्ड की नंबर 1 फ्रेंचाइजी है। मार्वल की मूवीज में हमने देखा है कि सारे सुपर हीरोज एक साथ फाइट करते हैं और एक ही फिल्म का हिस्सा होते हैं।
अगर प्रशांत नील का आइडिया यश और प्रभास को साथ में लाने और दिखाने का और दोनों को ही एक फिल्म का हिस्सा बनाने का है और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन बन सकता है, क्योंकि आज से पहले बहुत कम फिल्म्स ही हैं जिसमें हमने ऐसे एक्टर्स को साथ काम करते हुए देखा है। इससे पहले हमने देखा है कि रोहित शेट्टी ने ट्राई किया है अपने फिल्म्स में इस कंसेप्ट को यूज करने का। उन्होंने सबसे पहले सिंघम डायरेक्ट करी और फिर सिंघम 2। जब ये दोनों फिल्म्स आ गई और लोगों को बहुत पसंद आई तब उन्होंने रणवीर सिंह के साथ सिम्बा डायरेक्ट करी, जिसमें एंड में उन्होंने अजय देवगन का एक कैमियो रोल किया जिसमें रणवीर सिंह और अजय देवगन साथ देखने को मिले और उस कोलैबोरेशन से फैंस बहुत ज्यादा खुश थे। अब उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम पहले ही सूर्यवंशी डायरेक्ट करी है जिसमें अक्षय कुमार मेन हीरो थे और उनके साथ कैटरीना कैफ भी थी। बट इतना ही नहीं दोस्तों, अक्षय कुमार के साथ फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह भी थे और तीनों का कोलैबोरेशन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इन तीनों को एक साथ कोई फिल्म में नहीं ला पाया था। इन्होंने एक फिल्म करी है बट उसमें एक एक्टर के अलावा बाकी एक्टर्स का कैमियो रोल रहा है और ये रोल रहा था तो थोड़े टाइम के लिए ही। तो अगर प्रशांत नील सोच रहे हैं तो ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जो एवेंजर्स टाइप लाएंगे और फैंस को एक्साइट करेंगे। तो अब जल्दी से दोस्तों आप हमें बता दीजिए कि आप प्रभास और यश को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या प्रशांत तोड़ेंगे अपना ही रिकॉर्ड? क्या सलार तोड़ेंगे केजीएफ का रिकॉर्ड? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगवाल और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियो। बाहुबली को कोई ना जाने ऐसा भी हो सकता है। बॉलीवुड को एक ही झटके में हिला छुड़ाला था प्रभास ने उनके बाहुबली अंदाज। प्रभास ने अलग ही लेवल की ऊंचाई दी साउथ फिल्म इंडस्ट्री। जैसा कि हम जानते ही हैं, बाहुबली की सक्सेस की वजह से बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। बाहुबली यानी कि प्रभास बाहुबली के बाद भी रुके। उन्होंने दो बड़ी फिल्में की जैसे कि साहू और आदिशी। बात करें अगर साहू की, साहू एक एक्शन सस्पेंस फिल्म थी और वहीं दूसरी तरफ राधे श्याम एक रोमांटिक मूवी। प्रभास अब जुट गए अपनी अपकमिंग फिल्म सलार की तैयारी। सलार की बात करें तो सलार को डायरेक्ट करेंगे केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील। प्रशांत नील एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े। प्रशांत ने करियर का डेब्यू 2014 में उग्रम से किया। प्रशांत की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म केजीएफ। आज तक की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म है जिसने टाइटल हासिल कर चुकी। बात करें तो प्रशांत की लाइफ के बारे में तो प्रशांत का पूरा नाम है प्रशांत नील कांत। प्रशांत का जन्म 4 जून 1980 में। जब प्रशांत से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम कैसे रखे, तब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए गए। फिर वक्त के साथ उनका इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ ही बढ़ता चला गया। प्रशांत ने अपनी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और उन्होंने कई बार ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का भी फैसला किया, लेकिन खुदा ने चमत्कार किया और उनकी झोली में आ गई उग्र जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और बन गई थी कन्नड़ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से। प्रशांत ने फिर डायरेक्ट की केजीएफ कोलार गोल्ड माइंस फील, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी यश ने और फिल्म ने क्या कमाल कर दिया ये सब हम जानते हैं। केजीएफ को दो पार्ट्स में रिलीज किया गया था और दोनों पार्ट्स में केजीएफ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब प्रशांत चल पड़े हैं अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। जिस काम में उनका साथ देंगे बाहुबली यानी कि प्रभास। सलार की शूटिंग हुई शुरू 2 दिसंबर 2020 को और फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया। फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा होम वाले फिल्म स्क्वाड। सलार में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमरन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। सलार की कहानी लिखी गई है प्रशांत नील द्वारा और फिल्म का प्रोड्यूस किया गया है विजय किरगंडू। सलार का ओवरऑल बजट 200 करोड़। बता दें सलार 2023 में रिलीज होगी और फिल्मों की बाकी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा जैसे मलयालम, तमिल, कन्नड़, हिंदी और बाकी अलग लैंग्वेज। अब फिल्म में और कितने चेहरों की होगी एंट्री ये देखना। क्या आ गई सलार के ट्रेलर लॉन्च की डेट? क्या प्रभास फिर दिखेंगे बाहुबली लुक में? फैंस ने क्यों किया प्रभास को छोड़? सुपरस्टार प्रभास अभिनीत तेलुगु फिल्म सलार का टीजर अगले महीने रिलीज होने की पूरी संभावना है और रिपोर्टर्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में टीजर रिलीज होने की उम्मीद है।
डायरेक्टर प्रशांत नील ने टीजर का काम पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। प्रशांत टीजर लॉन्च करने में कोई देरी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मोटिव फिल्म के आसपास प्रचार को बनाए रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म को लेकर पहले ही आसमान छूने वाली खबरें बाहर आ रही हैं और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर अब ऑडियंस को और इंतजार नहीं करवाना चाहते हैं। एक एक्शन ड्रामा फिल्म 2023 में हिंदी सहित 5 भाषाओं में रिलीज होने की उम्मीद है। दरअसल प्रशांत नील ने इस गर्मी में फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि फिल्म KGF चैप्टर 2 के कैंसिल होने के कारण सलार की शूटिंग भी रुक गई थी। महामारी के कारण फिल्म की रिलीज को अगले साल के लिए धकेलना पड़ा। प्रभास के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो क्योंकि उनकी पिछली 2 फिल्मों साहो और राधे श्याम को दर्शकों से अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे। इसलिए फैंस सलार के बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने हाल ही में KGF चैप्टर 2 जैसा मास्टरपीस बनाया है और प्रशांत ने 2 फिल्में KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 को डायरेक्ट किया है। प्रभास अपनी हर भूमिका में अपना बेस्ट देने के लिए जाने जाते हैं और फैंस को उम्मीद है कि प्रशांत और प्रभास की जोड़ी की वजह को सलार को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि बता दें कि बाहुबली स्टार की फिल्म आदि पुरुष फिल्म सलार से पहले रिलीज होगी और प्रभास अपने डैशिंग लुक्स और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनके ऑफ स्क्रीन लुक्स ने उनके फैंस को भी कंफ्यूज कर दिया। कई मशहूर हस्तियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, नहीं तो वो अपने फैंस को खो सकते हैं। प्रभास जो हाल ही में आदिपुरुष की शूटिंग कर रहे हैं, अभिनेता जहां भी जाते हैं अपने सिर के चारों ओर एक स्कार्फ पहने हुए देखे गए। प्रशंसक सलार में उनके लुक को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वही फिल्म है जिसके वह आगे शूटिंग करने वाले हैं। इससे पहले सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने स्पष्ट किया है कि वो पर्सनल रूप से फिल्म के लिए प्रभास के नए रूप की देखभाल कर रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पिछली रिलीज राधे श्याम में अभिनेता की स्टाइल और लुक्स को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल किया गया था और प्रशंसक सलार में फिर से इसी बात का अनुभव नहीं लेना चाहते हैं। बता दें कि सलार में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रभास, श्रुति हसन और जगपति बाबू। सलार की कहानी लिखी गई है प्रशांत नील द्वारा और फिल्म को प्रोड्यूस किया है विजय किरणदूर ने। और अगर बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का ओवरऑल बजट है 200 करोड़। ये फिल्म हमें 2023 के एंड तक देखने मिल जाएगी और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या सलार में जगपति और प्रभास बनेंगे दुश्मन? कितना होगा सलार फिल्म का बजट? आखिर कौन है ये जगपति बाबू? हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज एंड वी आर बैक विद येट एन अमेजिंग वीडियो जिसमें आज मैं आपकी दोस्त और होस्ट प्लीशा चोपड़ा आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धमाकेदार मूवी सलार की, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या जगपति बाबू और प्रभास की जोड़ी लौट रही है। सब फ्रेंड्स इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। सलार फिल्म की आहट तो हमने सुन ही ली है। अरे भाई प्रभास फिर जो लौट रहे हैं एक धमाकेदार कमबैक के साथ। अब प्रभास हमें फिर एक बार दिखेंगे एक्शन करते हुए। सुपरस्टार प्रभास अभिनीत टेलीग्यू फिल्म सलार का टीजर अगले महीने रिलीज होने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे हफ्ते में टीजर रिलीज होने की उम्मीद है। सलार एक अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जिसमें प्रभास और श्रुति हासन ने लीड रोल्स निभाए हैं। इसका प्रोडक्शन विजय किरणदूर ने अपने होमबेल फिल्मों के तहत किया है। फिल्म को एक साथ कन्नड़ और तेलुगु में शूट किया गया है, जिसे तमिल, मलयालम और हिंदी में डब किया जाएगा। फिल्म में जगपति बाबू राजमनार नामक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात करें आगे जगपति बाबू के बारे में तो वो एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्म में भी दिखाई दिए हैं। 33 साल के करियर में बाबू ने 170 फीचर फिल्मों में काम किया है और उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 7 राजनंदी अवार्ड मिल चुके हैं। वैसे KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर की ओर से सलार नाम की एक और
बिगर देन लाइफ फिल्म आने वाली है। सुपरस्टार प्रभास और श्रुति हासन द्वारा अभिनीत ये फिल्म होमबेल फिल्म्स द्वारा निर्मित एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। टीम सलार ने फिल्म का एक दिलचस्प नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर ने जगपति बाबू को राजा मनार के खयाल में दिखाया गया है। ऐसा एक किरदार जो फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक निभाने को जा रहा है। फिल्म का नया पोस्टर फिल्म के थीम के बारे में बताता है। KGF सीरीज के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील और हेम्बल फिल्म्स के बीच ये तीसरी पार्टनरशिप होगी। 20% शूट तो पूरा हो चुका है, अब बचे हिस्से को फरवरी 2022 तक खत्म किया जाना चाहिए। इस साल के अंत तक एक नई रिलीज की तारीख दिए जाने की उम्मीद हम रख सकते हैं। पोस्टर के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर विजय किरांगदुर ने कहा, हम सलार की दुनिया के सामने पेश करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। सलार के नए पोस्टर प्रोजेक्ट करने के पीछे का विचार अधिक इंटरेस्ट पैदा करना है। अभी हम केवल इतना बता सकते हैं कि ये किरदार फिल्म के ट्रेनिंग पॉइंट के बड़े पैमाने पर दिखने वाला है। निर्देशक प्रशांत नील ने कहा, सलार की शूटिंग को आगे बढ़ाने पर और किरदार सामने आएंगे, फिल्म को एक नया भारतीय फिल्म के रूप में बनाया जा रहा है, जिसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी हम सभी भाषाओं में इसे रिलीज करेंगे। अब हम इस फिल्म के बारे में अधिक अपडेट की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ बात करके कि आगे फिल्म का बजट की, तो फिल्म का लगभग बजट है 200 करोड़। ये फिल्म हमें 2023 के अंत तक देखने को मिल जाएगी। तो प्रभास का नया अंदाज देखने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं या नहीं, बताएं अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या प्रशांत तोड़ेंगे अपना ही रिकॉर्ड? क्या सलार तोड़ेगी KGF का रिकॉर्ड? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगवाल और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। बाहुबली को कोई ना जाने, ऐसा भी हो सकता है। बॉलीवुड को एक ही झटके में हिला छुड़ाला था प्रभास ने उनके बाहुबली अंदाज। प्रभास ने अलग ही लेवल की ऊंचाई दी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को। जैसा कि हम जानते ही हैं, बाहुबली की सक्सेस की वजह से बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। बाहुबली यानी कि प्रभास बाहुबली के बाद भी रुके नहीं, उन्होंने दो बड़ी फिल्में की जैसे कि साहू और आदिशाह। बात करें अगर साहू की, साहू एक एक्शन सस्पेंस फिल्म थी और वहीं दूसरी तरफ राधे श्याम एक रोमांटिक मूवी है। प्रभास अब जुट गए हैं अपनी अपकमिंग फिल्म सलार की तैयारी में। सलार की बात करें तो सलार को डायरेक्ट करेंगे KGF डायरेक्टर प्रशांत नील। प्रशांत नील एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। प्रशांत ने करियर का डेब्यू 2014 में उग्रम से किया। प्रशांत की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म KGF। KGF आज तक की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म है जिसने टाइटल हासिल कर चुका है। बात करें तो प्रशांत की लाइफ के बारे में, तो प्रशांत का पूरा नाम है प्रशांत नील कांतपुर। प्रशांत का जन्म 4 जून 1980 में हुआ था। जब प्रशांत से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम कैसे रखा, तब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार। फिर वक्त के साथ उनका इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ ही बढ़ता चला गया। प्रशांत ने अपनी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और उन्होंने कई बार ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का भी फैसला किया, लेकिन खुदा ने चमत्कार किया और उनकी झोली में आ गई उग्रम, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और बन गई थी कन्नड़ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक। प्रशांत ने फिर डायरेक्ट की KGF कोलार गोल्ड माइंस फील्ड, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी यश ने और फिल्म ने किया कमाल करके, ये सब हम जानते ही हैं। KGF को दो पार्ट्स में रिलीज किया गया था और दोनों पार्ट्स में KGF ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब प्रशांत चल पड़े हैं अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, जिस काम में उनका साथ देंगे बाहुबली यानी कि प्रभास। फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा होमबली फिल्म्स द्वारा। सलार में मुख्य भूमिका निभाएंगे प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमरन, श्रुति हसन और जगपति बाबू। सलार की कहानी लिखी गई है प्रशांत नील द्वारा और फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरगंडूर ने। सलार का ओवरऑल बजट 200 करोड़। बता दें सलार 2023 में रिलीज होगी और फिल्मों की बाकी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जैसे मलयालम, तमिल, कन्नड़, हिंदी और बाकी अलग लैंग्वेजेस में। अब फिल्म में और कितने चेहरों की होगी एंट्री, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
तो क्या आप हैं एक्साइटेड प्रभास के न्यू स्टाइल देखने के लिए? क्या सीन्स होंगे पहले से काफी लार्ज? कहाँ हो रही है इन सीन्स की शूटिंग आजकल? कहाँ बिजी हैं प्रभास? जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके होस्ट दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूँ आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों बाहुबली स्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सालार को लेकर काफी चर्चा में है। ये एक एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म होने वाली है। आपको बता दें कि अभिनेता प्रभास की आने वाली फिल्म सालार में एक्शन से भरपूर इंटरवल भी होगा। थिएटर की स्क्रीन्स को डार्लिंग के फैंस के लिए सजाना शुरू कर दिया है और इंटरवल वाले सीन्स ऐसे होंगे जो दर्शकों के रोंगटे खड़े करने पर मजबूर कर देंगे। आपको बता दें कि ये सीन्स इस कदर तक आलिशान होंगे कि पिछले कुछ सालों के मुताबिक ये सबसे बेस्ट सीन्स माने जा रहे हैं। जो लोग सेट्स पर मौजूद रहकर इन्हें देख रहे हैं उनका भी ये मानना है कि ये फिल्म बाहुबली की ही तरह एक बार फिर प्रभास को टॉप की रेंज में पहुंचा सकते हैं। सालार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है जो KGF से प्रसिद्ध हुए और डार्लिंग एक्टर प्रभास के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन होने जा रहा है। ये फिल्म बड़े पैमाने पर शूट होने वाली है इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें मास एलिमेंट्स होंगे और ये एक वॉयलेंट आर्मी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। इस फिल्म में श्रुति हसन भी लीड रोल में होंगी जिनकी जोड़ी प्रभास के साथ पहली बार दिखने वाली है। फिल्म में जगपति बाबू भी एक अहम रोल में होंगे। बात अगर प्रभास के बाकी प्रोजेक्ट की ली जाए तो इस समय वो काफी बिजी शेड्यूल से गुजर रहे हैं। सालार के अलावा उनकी एक और फिल्म राधे श्याम काफी चर्चा में है जिसमें इनके साथ नजर आएंगी पूजा हेगड़े। ये एक रोमांटिक कहानी होगी जिसका फैंस को काफी इंतजार है। प्रभास की ये फिल्म संक्रांति के आसपास रिलीज होगी जबकि सालार भी फरवरी के महीने तक रिलीज की जानी है। इसके अलावा प्रभास बॉलीवुड में सैफ अली खान कृति सेनन जैसे स्टार्स के साथ आदि पुरुष में भी नजर आएंगे जिसमें वो श्री राम बने हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनमें से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कब्जा करेगी तो ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिल्मों से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस। आपको आज की वीडियो घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। किससे 10 कदम आगे है प्रभास? सलार में क्या नया कर रहे हैं प्रशांत ने? रजनीकांत से हुई प्रभास की तुलना का क्या है राज? दोस्तों एक बात तो पक्की है, बाहुबली स्टार प्रभास अब बाहुबली ब्रांड से भी बड़े एक ब्रांड है और फिर आज जिस तरह के प्रोजेक्ट वो चूज कर रहे हैं उस हिसाब से उनके लिए फैंस की दीवानगी देखने लायक है। अब उनके वाले 25वें प्रोजेक्ट के लिए फैंस के बीच खासा क्रेज है जो बाउंड्रीज क्रॉस किए जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर सुनने आ रही है उनकी अचीवमेंट के चलते उनकी सारी स्टार्स कुछ जलन जैसा महसूस कर रहे हैं। आप देखिए प्रभास से पहले बहुत से स्टार्स ने बॉलीवुड में एंट्री लेने की कोशिश की लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद प्रभास जितना तो कोई और ही सफल रहा हो। बाहुबली के बाद उनकी फ्लॉप फिल्म साहो भी आई लेकिन उससे भी उनको लेकर फैंस के का क्रेज खत्म नहीं हुआ और उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी ऑडियंस को थिएटर तक लाने का दम रखती है। उसके बाद से लेकर अभी तक बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें अच्छा खासा लालच दे रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म आदि पुरुष और सलार उन्हीं में से एक है। ये बात यहीं तक नहीं रुकी, खबर है कि अब सीरीज भी उन्हें अपनी एक मूवी में एंट्री लेने के लिए कह रहे हैं। इसकी कोशिश जारी है। साउथ से आए किसी और स्टार यहाँ तक कि रजनीकांत को लेकर भी इतना क्रेज नहीं था जैसा कि प्रभास के लिए है। बॉलीवुड में उनकी डिमांड इस समय सलमान खान और शाहरुख जैसी ही कुछ है। अब इसका नतीजा ये है कि साउथ में कुछ बड़े बड़े स्टार्स जो बॉलीवुड में ऐसा मुकाम बनाना चाहते हैं आजकल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर ग्रैंड लॉन्च की प्लानिंग कर रहे हैं। खैर हम तो यही कहेंगे कि ऐसी चीजें प्लान नहीं की जा सकती और ये अपने आप ही होती है। हालांकि उससे पहले कि ये स्टार्स अपनी अपनी जगह बनाने के लिए एक स्टेप आगे लेते प्रभास अपनी उनसे 10 कदम आगे हैं जिससे वो आज देश भर में अपने कदम जमा रहे हैं। वही बात उनकी आने वाली मूवी सलार की करें तो प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस मूवी में प्रभास के साथ श्रुति हसन भी है। ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी है। आपको बता दें कि मूवी में कई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा जो आज तक किसी भी हिंदी मूवी में यूज नहीं की गई है। ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है जिससे वीडियो मेकिंग और भी आसान हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए निर्देशक ने
काफी मोटी रकम खर्च की है, जिसका नतीजा मूवी आने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। पूरी कसम के मेगा उसका क्या कहना है? क्या इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है? इस फिल्म का नाम सलार होने की क्या वजह है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जल्दी आने वाली है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त फिल्मों का तूफान। KGF चैप्टर 2 में तो पहले से ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रखा है, और उसके बाद ही अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा और प्रभास की आने वाली पिक्चर सलार भी लाइन में अपना नंबर लगाए खड़ी है। 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली ये एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो सलार प्रशांत नील द्वारा लिखी और डायरेक्ट की जा रही है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर विजय केरगुंदन होंगे और सलार को होमबर्ग फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। फिल्म के लीड एक्टर प्रभास हैं पूरी तरह तैयार अपनी फाड़ू परफॉर्मेंस देने के लिए। सलार की शूटिंग 2021 के शुरुआत में ही शुरू हो चुकी है। सलार को लॉन्च करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 16 जनवरी 2021 को की गई थी, और उसके कुछ दिनों बाद ही इस फिल्म के कास्ट एंड क्रू के साथ बेहद एक्साइटमेंट के साथ 29 जनवरी 2021 को सलार की प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक सलार की शूटिंग खत्म हो जाएगी और इस फिल्म के प्रोडक्शन को रैप अप कर दिया जाएगा, और अगले साल इस फिल्म थिएटर्स में बिल्कुल दिवाली में फोड़े गए बॉम्ब की तरह धमाका मचाएगी। सलार के मेकर्स हैं पूरी तरह से तैयार इस फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज करने के लिए। कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज के साथ इस फिल्म को शूट किया जा रहा है। दिसंबर 2021 तक इस फिल्म की शूटिंग को खत्म करके फिल्म के मेकर्स अगले साल सलार के रिलीज के साथ आने वाले हैं। 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी प्रभास स्टारर ये एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो प्रभास के फैंस को फिर एक बार उनका दीवाना बना देगी। सलार एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब है कैप्टन या फिर लीडर, हिंदी में जिसे नेता भी कहा जा सकता है। सलार यानी एक ऐसा इंसान जो लोगों का नेतृत्व करना जानता हो। इस फिल्म में प्रभास का नाम होगा सलार, और वो एक लीडर के रूप में नजर आएंगे। यही वजह है इस फिल्म का नाम सलार रखा गया है, क्योंकि प्रभास के द्वारा एक नेतृत्व करता हुआ इंसान कैसा होना चाहिए वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। सलार की कहानी और प्रभास के इम्पैक्टफुल किरदार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। तो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे आपके पास एक नई मूवी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर को लेकर। तब तक आप देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या फिल्म में ज्योतिका दिखेंगी? क्या होने वाला है फिल्म में श्रुति हसन का किरदार? क्या सलार एक रीमेक फिल्म होगी? नमस्कार बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं रिलीजिंग के लिए, जिसमें राधे श्याम, आदि पुरुष और डायरेक्टर प्रशांत नील के नए डायरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है। जी हां, आने वाली सलार फिल्म से प्रभास तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबरदस्त लुक सामने आया है, तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट देखी गई है। फिल्म में पहली बार प्रभास और श्रुति हसन की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा, और इस फिल्म में श्रुति हसन एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती हैं, पर अभी तक इस पर कुछ ऑफिशियल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है, और वो है साल 1997 में बॉलीवुड की फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ज्योतिका का, जो अब आने वाली फिल्म में प्रभास की बहन का रोल करते हुए नजर आ सकती हैं। ज्योतिका तमिल, तेलुगु, हिंदी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी हैं। उन्हें वाली, टैगोर, खुशी,
मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है। सलार में उनका रोल होगा या नहीं, वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं, इसकी कंफर्मेशन मेकर्स द्वारा अभी तक नहीं की गई है। तो देखते हैं क्या ज्योतिका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं। बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरें काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कन्नड़ फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था। पर इस बात से सलार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि सलार फिल्म की कहानी एकदम नई है और जो सिर्फ घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। कैसा इतिहास रचने जा रहे हैं प्रशांत जी? किस टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा में आए प्रशांत? इस टेक्नोलॉजी और क्रिस्टोफर नोलान का क्या है कनेक्शन? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलार के बारे में। प्रभास स्टारर ये मूवी फिलहाल प्रोडक्शन से गुजर रही है। अब चूंकि इस मूवी को केजीएफ के करता धरता प्रशांत नील बना रहे हैं तो मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा ऊंची है। और अब निर्देशक अपने इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा डायनामिक और यादगार बनाना चाहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा वो कैसे करने वाले हैं तो उसके लिए तो आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर जुड़ना होगा। दरअसल यूं तो प्रशांत को मूवी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही मूवी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी है। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हुए प्रशांत अपनी इस एक्शन थ्रिलर मूवी में हॉलीवुड टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में खास बात ये है कि ये फॉरेन टेक्नोलॉजी पहली बार किसी इंडियन मूवी के लिए यूज की जाएगी। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि साउथ तो छोड़िए, ये आज तक बॉलीवुड में भी यूज नहीं की गई थी। इस टेक्नोलॉजी का नाम डार्क सेंट्रिक थीम टेक्नोलॉजी है। क्या आप जानते हैं कि ये आज तक हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों जैसे टेनेट, बैटमैन और मैट्रिक्स में ही यूज की गई है। खास बात ये है कि इस टेक्नोलॉजी को क्रिस्टोफर नोलान ने पॉपुलर बनाया था जिन्होंने अपनी कई फिल्मों में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक किसी हिंदी मूवी में इसका यूज नहीं किया गया। शायद इंडिया में इसे शुरू करने के लिए प्रशांत का नाम ही लिखा था। इससे वो इतिहास जरूर लिखने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी व्यूअर्स को फिल्में देखने का एक बिल्कुल ही अलग और खास अनुभव महसूस कराने वाली है। दोस्तों अगर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। खैर, प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस मूवी में प्रभास के अलावा श्रुति हसन भी लीड रोल में है जो धमाकेदार एक्शन के साथ कमबैक कर रही है। ये मूवी अगले साल अप्रैल में रिलीज होनी है। हालांकि क्लैश को टालने के लिए पोस्टपोन भी किया जा सकता है। आपको आज की ये वीडियो और इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है सलार का बजट? सलार के बाद प्रभास की अब दीपिका के साथ नजर आने वाले
साउथ इंडियन फिल्मों के फैंस को क्यों कहा जाता है क्रेजी? वक्त के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, जैसे कि वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता, वक्त वक्त की बात है वगैरह वगैरह। लेकिन अब वक्त आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि कुछ ही दिनों में प्रभास की फिल्म सालार की शूटिंग कंप्लीट होने वाली है। फिल्म कंप्लीट होने के बाद रिलीज होने तक हर दिन नई नई खबरें बनेंगी या यूं कहीं बनाई जाएंगी, लेकिन उन सारी खबरों को आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। ऐसी कुछ खबरों को आज हम बताएंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रुति और आप सबका बॉलीवुड स्टूडियोज के इस वीडियो में स्वागत करती हूं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी किया। जी हाँ, यही कुछ कहा हुआ है। इस फिल्म के साथ मेकर चाहे कितना भी ना कहे या हाँ कहे, आने वाली फिल्म 200 करोड़ की लागत में बन रही है, इसका पता पूरे हिंदुस्तान को लग चुका है। फिल्म की पोस्टर, लोकेशन, स्टार कास्ट, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बिग बजट न हुई तो आश्चर्य होगा। अब जब आप हिंदुस्तान के आने वाले सबसे महंगी फिल्म में काम करने वाले हो तो आपको तो बाकी इंडस्ट्री से भी ऑफर आना शुरू हो जाती है। पिछले दिनों सुनने में आया है प्रभास और दीपिका पादुकोण एक साथ किसी फिल्म में दिखाई दे सकते हैं। अब इसी बात का कंफर्मेशन अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। वैसे ये बात तो सलार के लिए अच्छी है, किसी और की पब्लिसिटी, मार्केटिंग और झूठी अफवाहों का फायदा सलार को हो सकता है, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वैसे कई फैंस किसी की खूबसूरती के दीवाने होते हैं, किसी के काम के दीवाने होते हैं, तो किसी के स्टाइल के दीवाने होते हैं, लेकिन साउथ इंडियन फिल्मों के फैंस सिर्फ दीवाने होते हैं। फिर चाहे फिल्म रिलीज होने पहले हो, फिल्म की पोस्टर का दूध से अभिषेक करना हो या 10-10 घंटे फिल्म की टिकट के लिए लाइन में खड़े रहना, और ये सब गुण साउथ इंडियन फिल्मों के ऑडियंस में बहुत ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा कि प्रभास, सलू, अर्जुन, रजनीकांत, कमल हसन, मामूटी और मोहनलाल जैसे कलाकारों के फैंस तो सारी हांदे पार कर देते हैं। और वैसे भी हद में रहकर किसी से प्यार नहीं किया जाता दोस्तों, प्यार में हद से गुजर जाना मैंडेटरी है, और शायद इसी बेपनाह प्यार की वजह से साउथ के फैंस को क्रेजी कहा जाता है। बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म का इंतजार अब बहुत हुआ, अब तो हर कोई थक चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा यानी सलार होता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सलार का इंतजार करना सही था या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, पैन इंडिया स्टार प्रभास किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इस समय उनके पास कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से आजकल वो सलार और आदि पुरुष को लेकर सबसे ज्यादा बिजी है। ये फिलहाल उनके सबसे बड़े दो प्रोजेक्ट हैं, जिन पर प्रभास का ध्यान इन दिनों लगा हुआ है। जहां सलार को KGF फेम निर्देशक प्रशांत नील निर्देशित कर रहे हैं, तो वहीं आदि पुरुष को बॉलीवुड निर्देशक ओम राउत बना रहे हैं। इन फिल्मों की शूटिंग के अलावा प्रभास जल्द ही अपने अगले प्रोजेक्ट का काम शुरू करेंगे, और इस प्रोजेक्ट का नाम फिलहाल के रखा गया है। नाग अश्विन जैसे निर्देशक द्वारा निर्देशित इस मूवी में उनके साथ अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण भी लीड रोल्स में है। उसके बाद प्रभास के पास संदीप रेड्डी बोंगा की स्पिनत भी है। ये मूवी भी आजकल बहुत चर्चा में है। ये प्रभास की 25वीं फिल्म होगी जो 2022 के बीच में फ्लोर पर आ जाएगी। ये तो बात रही उनके आने वाले प्रोजेक्ट की और उनके शेड्यूल की, लेकिन इस बीच एक बात जिसने सबको हैरान किया हुआ है और अब जानने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाए, वो है प्रभास की फीस। उससे पहले आपको बता दें कि सलार और आदि पुरुष समेत अभी तक की अपनी मूवी के लिए प्रभास 80 करोड़ रुपए की फीस लिया करते थे, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा है, लेकिन अब उन्होंने इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जी हाँ, हैरानी की बात है कि बाहुबली ने अपनी फीस 80 से सीधा 100 करोड़ रुपए कर दी है, जिसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट की और उसके बाद आने वाली प्रोजेक्ट के लिए प्रभास के ही रकम की मांग करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा होते ही प्रभास साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत के बाद हाईएस्ट पेड एक्टर बन जाएंगे। प्रभास एक साल में आमतौर पर 3-4 फिल्में लेकर आते हैं, जिससे वो जल्दी और भी बड़े स्टार बन जाएंगे।
जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि कितने मूवी मेकर्स उनकी ये डिमांड पूरी कर पाते हैं। क्या प्रभास मेकर्स को अपनी बात मनवा पाएंगे या वापस से घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो। क्या सालार में छाएगा मिस इंडिया का जादू? क्या सालार से हट गया है श्रुति का रोल? किसे कास्ट किया गया है प्रशांत नील द्वारा? जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अनमिता पाठक और स्वागत करती हूं आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, यंग रेबल स्टार प्रभास इन दोनों KGF के करता धरता प्रशांत नील की आने वाली फिल्म सालार में हाई वोल्टेज एक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। फिल्म की शूटिंग आजकल हैदराबाद में तेज गति से चल रही है, जबकि प्रभास खुद भी सालार और आदि पुरुष के सेट के बीच जुगलबंदी कर रहे हैं। सालार की शूटिंग इस साल के अंत से पहले पूरी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल फिल्म में श्रुति हसन भी लीड रोल में नजर आएंगी। हालांकि ताजा खबर तो ये है कि फिल्म में एक और लीड एक्ट्रेस भी होने वाली है और मेकर्स उसी की तलाश में है, लेकिन अब लगता है कि उनकी तलाश एक एक्ट्रेस पर आकर रुक चुकी है। दरअसल मेकर्स ने फिल्म के लिए मीनाक्षी चौधरी को फाइनल किया है। मीनाक्षी 2018 में मिस इंडिया होल्डर रह चुकी हैं और वो धीरे धीरे तेलुगु सिनेमा में भी बिजी होती जा रही हैं। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने इस रोल के लिए मीनाक्षी को यूज किया है और उम्मीद है कि फिल्म के अगले शेड्यूल से ही वो यूनिट के साथ शूटिंग करती दिखेंगी। AGF 2 जिसे 2022 तक टाल दिया गया है, उसके बाद उम्मीद है कि सालार अब 2022 के अंत तक तो रिलीज नहीं होने वाली है। ये 2023 की शुरुआत में ही बेशक रिलीज हो सकती है। मीनाक्षी चौधरी आजकल रमेश वर्मा के निर्देशन में बन रही एक्शन ड्रामा खिलाड़ी में एक्टर रवि तेजा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही है और अब उन्हें प्रभास की फिल्म सालार में लिया गया है। फिल्म सालार एक एक्शन थ्रिलर होने जा रही है और इसे KGF के प्रोड्यूसर विजय किरगांदुर प्रोड्यूस कर रहे हैं। KGF चैप्टर 1 की सफलता ने प्रशांत नील को तेलुगु सिनेमा के कुछ ए लिस्टर्स का ध्यान आकर्षित करने में मदद की है। उन्होंने अपनी अगली निर्देशन वाली फिल्म के लिए जूनियर NTR को भी साइन किया है। इसी बीच वो अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म KGF 2 की रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म में लीड रोल में आपको पता ही है कि कौन है, एक्टर यश। जबकि सीक्वल में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी एक शक्तिशाली खलनायक और रवीना टंडन भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। सलार के अलावा प्रभास बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म प्रोजेक्ट K में दिखाई देंगे। उनके पास राधा कृष्ण कुमार की राधे श्याम भी है, जिसमें पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में है, जो अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म और स्टार्स के बारे में ऐसी कई और बातों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्यों हो रही है मेकर्स को सलार की रिलीज की चिंता? क्यों जोर पकड़ा है प्रभास की शादी की स्पेकुलेशन? श्रुति हसन को क्यों पसंद है और OTT से ज्यादा थिएट्रिकल रिलीज? ऐसा काम करो कि नाम हो जाए या फिर ऐसा नाम कमाओ कि सुनते ही काम हो जाए। जी हाँ, इस लाइन को अगर कोई जी रहा है तो वो है इंडिया के आज के सुपरस्टार प्रभास और उनकी आने वाली फिल्में। अब उनकी आने वाली फिल्मों में ऐसा क्या खास है और इनके बारे में आजकल क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। मैं श्रुति बॉलीग्राड स्टूडियोज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हाल है सलार फिल्म के मेकर्स का। इस बात का पता चला कि सलार और KGF 2 बैक टू बैक शायद एक ही हफ्ते में या शायद एक ही दिन रिलीज हो सकती है, तो पहले तो खुश होने वाले मेकर्स अब इस बात से ही परेशान होने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंडिया में जहां भी फिल्में बनती हैं वहां की एक कड़वी सच्चाई रही है कि दो बिग बजट फिल्में अगर एक साथ रिलीज हो तो नुकसान दोनों का होता है। अब यही चिंता प्रोड्यूसर विजय किरगंदूर और होम मिल्सन्स को हो रही है। अब इससे पहले इस प्रोडक्शन हाउस ने कई सारी हिट फिल्में बनाई हैं, लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा अलग है। आपको क्या लगता है ऐसे समय में मेकर्स के लिए सही ऑप्शन क्या है? आपकी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
प्रभास की उम्र लगभग 41 साल है और कहा जा रहा है कि शायद अगले साल वह शादी कर सकते हैं। वैसे बता दे, ऐसी बातों पिछले 6 सालों में कई बार हो चुकी हैं जब से बाहुबली फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन प्रभास ने भी अपने ही स्टाइल में कभी शर्मीले तो कभी बेबाक अंदाज में इन बातों को खंडन भी किया और कभी कभी इन बातों पर चुप्पी भी साधी। अब इसे क्या क्यों ऑडियंस में उत्सुकता बनाए रखने या बड़ी चालाकी से सुमड़ी में ऐसे सवालों से निकल जाना। प्रभास का नाम इससे पहले इलियाना डिक्रूज और उनकी बाहुबली की कोस्टार अनुष्का शेट्टी से जुड़ चुका है। अब देखते हैं आने वाली बिग बजट फिल्म के साथ वो कोई बिग अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलार एक्टर श्रुति हासन ने कहा कि उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज्यादा थिएटर में फिल्में देखना पसंद है, लेकिन अपनी इस बात को आगे ले जाते हुए वे कहती हैं कि अगर थिएटर में फिल्म देखने के दौरान कोई डिस्टरबेंस हो तो शायद सबसे अच्छा ऑप्शन घर में बैठकर मोबाइल या टीवी पर ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए फिल्म देखना है। उनका कहना है कि जो एक्सपीरियंस थिएटर में मिलता है उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। बात तो सही है। 9 सितंबर को उनकी और विषय सेतुपति की फिल्म लामबम रिलीज होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा ऑडियंस इस फिल्म को पसंद करती है या वेल ट्राई या बेटर लक नेक्स्ट टाइम कह के आगे बढ़ती है। वैसे आजकल हर किसी को हिट फिल्म का इंतजार है। उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म हिट साबित हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब्राहम होने वाले हैं सलार का हिस्सा। सलार में क्यों श्रुति हसन नजर आएंगी प्रभास के साथ रोमांस करते हुए? सलार के बाद प्रभास और कौन कौन सी फिल्मों की कर रही हैं तैयारी? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा हो रही है। डायरेक्टर प्रशांत नील और एक्टर प्रभास की ये जोड़ी अवश्य ही फिल्मी दुनिया में एक धमाका करने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी कई किरदार हैं जो इस फिल्म की सक्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड एक्टर सुपरस्टार जॉन अब्राहम को फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने मेन विलन का किरदार निभाने का ऑफर दिया है। हालांकि दोस्तों, इस बारे में कोई कंफर्मेशन या पक्की खबर नहीं आई है। जॉन अब्राहम अगर सलार में विलन के रूप में देखने को मिलेंगे तो प्रभास और जॉन का आपसी टक्कर देखने में मजा आएगा। ये टक्कर फिल्म में एक अलग तड़का डालने का काम भी करेगी। लेकिन दोस्तों, ये खबर अभी पक्की नहीं हुई है और जॉन अब्राहम अभी अपनी आने वाली फिल्म अटैक के प्रमोशनल इवेंट्स को लेकर काफी ज्यादा बिजी हैं। अब जॉन हमें विलन के अवतार में सलार में देखने को मिलेंगे या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। सलार के रोमांटिक एंगल की बात करें दोस्तों, तो प्रभास के साथ श्रुति हसन पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। दोस्तों बता दूं कि प्रभास ने भी श्रुति हसन के बर्थडे पर इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए हैप्पी बर्थडे विश किया था उन्हें और सलार की टीम में वेलकम किया था। प्रभास ने ये भी लिखा था कि श्रुति हसन के साथ काम करने के लिए वो काफी एक्साइटेड हैं और ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। सलार के धमाके के बाद प्रभास एक के बाद एक जबरदस्त मूवीज लेकर आने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, प्रभास अपनी फिल्म राधे श्याम को रिलीज होने के बाद सलार का धमाका करेंगे और फिर अपनी कई सारी आने वाली फिल्मों की रिलीवेशन भी करने वाले हैं। इन सब के बाद प्रभास नाग अश्विन द्वारा डायरेक्ट की गई नई पिक्चर की शूटिंग के लिए तैयार हैं, जहां दीपिका पादुकोण फीमेल लीड में रोल में नजर आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभास ने अपनी फिल्म आदि पुरुष की अनाउंसमेंट भी कर दी है, जो कि 11 अगस्त 2022 में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ये एक 3D पिक्चर होगी जो कि ओमकार द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली है और इस पिक्चर की मेजर सीन्स मुंबई में ही शूट किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप प्रभास की कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी।
कामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। क्यों सलार एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है? क्यों है श्रुति हासन के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म? बहुत ज्यादा मिलने वाली पब्लिसिटी क्या सलार का खेल खराब करेगी? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य सलार के बारे में शायद सच भी हो सकता है। अब ये कैसे, क्यों और कहां से आया ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज के इस वीडियो में। वैसे आजकल जो फिल्में ज्यादा चर्चा में हैं उनकी बातें यहाँ वहाँ से सबको पता चल ही जाती है, फिर चाहे वो बातें सच्ची हो, झूठी हो, किसी की फैलाई हुई हो या मेकर्स की अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, पब्लिक को तो पता चल ही जाता है, लेकिन उन बातों का असली मतलब कभी कभी हम समझ नहीं पाते। तो चलिए इस वीडियो में मैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब तो ये तय हो गया है कि आने वाले साल भर में जो चार फिल्में सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगी वो होंगी राधे श्याम, RRR, KGF 2 और सलार। ध्यान देने वाली बात यह है कि चारों फिल्में साउथ इंडस्ट्री से आती हैं और एक और फिल्म जो इन फिल्मों के साथ कम्पीट करेगी वो होगी आदि पुरुष। अब इसे महज संयोग समझे या पांचों उंगलियां घी में डूबी होने कही कि सबसे बड़ी तीन बिग बजट फिल्में प्रभास की है और इन सारी बातों का इफेक्ट आपको सलार की पॉपुलैरिटी पर होता दिखाई दे रहा होगा। जैसे छिकली को खींच खींच कर मगरमच्छ बनाने वाली कहावत है, कुछ इसी तरह से सलार फिल्म की खबरें आती रहती है। डायरेक्टर आज उस पार्टी में गए, प्रभास आज उस पार्टी में गए, श्रुति हसन आज उसके साथ दिखाई दी, ये फिल्म इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, आज उन्होंने ये कपड़े पहने थे और न जाने क्या क्या। लेकिन एक्सपीरियंस लोग कह गए खाने को ज्यादा मत पकाओ वरना वो जल जाएगा। अभी फिल्म से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है कि एक छोटी सी गलती जो शायद अन्य फिल्मों के मामले में माफ भी हो जाए इस फिल्म को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे ये फिल्म किसी का फायदा करा रही है और वह और कोई नहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रुति हसन का। श्रुति हसन इससे पहले कई बिग बजट मूवीज में दिखाई दे चुकी है, उनकी कई फिल्में हिट रही है और कई फिल्में फ्लॉप भी रही है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में बनी रहती है क्योंकि ये एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है, इसलिए ये पूरी तरह से हिंदुस्तान में प्रदर्शित वाली बिग बजट फिल्म है। श्रुति चाहेंगी कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो। श्रुति ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है लेकिन कुछ गिनी चुनी फिल्म छोड़ के दो चिनके हिस्से निराशा ही आई है। जैसा कि हमने अब पहले भी कहा, जरूरत से ज्यादा मिलने वाली पब्लिसिटी सलार का गेम बिगाड़ सकती है। कुछ दिनों पहले ही प्रभास और RRR फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली फिल्म की रिलीज डेट के क्लैशेस से रिलेटेड बात करने के लिए मिले थे, हालांकि इससे कुछ होता दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी बातें रोज होंगी, हर रोज अफवाहें जोर पकड़ेंगी और रोज शांत भी होंगी। यही तो फिल्म इंडस्ट्री का कमाल है, काम करने वाले चुपके से काम कर जाते हैं और बाकी लोगों के लिए रह जाती है तो सिर्फ बातें। ऐसी ही और मजेदार बातें करेंगे अगले वीडियो में एक नए घायल शेर की सांसें की दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या है सलार का मौजूदा स्टेटस, कौन सी अफवाह सच साबित हुई और कौन सी झूठ, फैंस क्यों कर रहे हैं अपनी हदें पार सलार के इंतजार में? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के खास पेशकश में। तो दोस्तों, आए दिन सलार फिल्म के बारे में कई अफवाहें, कई सच्ची झूठी बातें फैलती हैं या यूं कहे फैलाई जाती हैं। अब इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहें या मुफ्त में मिलने वाली पब्लिसिटी, कुछ भी कहें, फिल्म की पॉपुलैरिटी के लिए ये काफी फायदेमंद है। बात करें फिल्म सलार के मौजूदा स्टेटस की तो दोस्तों, काफी हद तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और कुछ सीन्स फिलहाल फिल्माना बाकी है। एक ही वक्त कई सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम चल रहा है और शायद इसी वजह से कुछ खामियां, कुछ कमियां दिखाई दे तो रीशूट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये फिल्म KGF के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद रिलीज होगी और इस फिल्म से पहले प्रभास की एक और बड़ी फिल्म राधे श्याम भी रिलीज होगी। प्रभास की पॉपुलैरिटी को देखते हुए दोस्तों, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शूटिंग करने में कितनी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आज शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी होगा जो प्रभास को नहीं जानता होगा और दोस्तों, अगर वो उसे देख ले तो उनसे मिले बिना नहीं रह सकता। अगर आप भी प्रभास के फैन हैं तो प्रभास की आने वाली फिल्म के बारे में जानकारी देने वाले इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों, जब बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार की हो रही है और दोस्तों उनकी आने वाली सबसे
बड़ी बिग बजट फिल्म की हो रही हो तो अफवाह का बाजार गर्म होना बनता ही है। फिर चाहे अफवाह उसी फिल्म से रिलेटेड हो या किसी और फिल्म से, जैसे कि सुनने में आया था प्रभास की SS राजामौली के साथ कुछ अनबन हो गई है और इसका कारण बताया जा रहा था राधे श्याम और RRR मूवी का टकराव होना, लेकिन बात दोनों के बीच में थी और कुछ अनबन हो ही नहीं थी। दोस्तों दूसरी ओर ये भी सामने आया कि प्रभास अपनी को स्टार के साथ कंफर्टेबल नहीं है। फिर चाहे राधे श्याम की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हो या सलार की एक्ट्रेस श्रुति हसन, लेकिन ये भी सिर्फ एक अफवाह साबित हुई। हमने कई सोशल मीडिया साइट पर पढ़ा, इंटरनेट पर चल रहे कई वीडियोस में देखा कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी दिव्या अग्रवाल प्रभास की फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं। इतने दिनों से इस बात पर चुप्पी साधे बैठी दिव्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों की चलाई हुई अफवाह है। उन्होंने आके ये कहा कि अगर वो कुछ नया लेकर आ रही हैं तो किसी और से पहले वो खुद ये बात ऑडियंस को बताएंगी। हालांकि दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि प्रभास के साथ अपना नाम जोड़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या ये अफवाह एक कोइंसिडेंस थी या कुछ और? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सलार का इंतजार दोस्तों अब किसी से सहा नहीं जा रहा है। फैंस का कहना है एक तो पहले से ही KGF 2 पोस्टपोन हो गई है, RRR भी आगे चली गई है, राधे श्याम के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा, ऐसे में सलार जल्द से जल्द रिलीज हो यही उम्मीद है। आज ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और कई सोशल मीडिया साइट पर प्रभास, आदि पुरुष, राधे श्याम, सलार इन नामों के हैशटैग देखने को मिल रहे हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि बाकी हैशटैग डाउन हो चुके हैं। अब दोस्तों वैसे किसी ने सही ही कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। इसी बात के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। हम घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या बिग बॉस OTT की विनर दिव्या अग्रवाल नजर आ सकती है सलार में? क्या होने वाली है प्रभास की सलार की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जया। दोस्तों जब से प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार की अनाउंसमेंट हुई है तभी से फिल्म का इंतजार है और इसकी खास बात यह है कि इसको जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो है प्रशांत नील, जिन्होंने KGF जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। अब इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि जब दो आइटम बम एक साथ फटेंगे तो क्या कुछ होगा। तो प्रभास और प्रशांत नील का मिलन कुछ इसी तरह का चमत्कार देखने को मिल सकता है हमें पर्दे पर। और अब इससे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। पहले तो आपको बता दें कि प्रभास के साथ इस फिल्म में श्रुति हसन होने वाली है और अब खबर आ रही है कि बिग बॉस OTT की विनर दिव्या अग्रवाल भी इस फिल्म में हो सकती है। अभी ये खबरें ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन दिव्या जब से जीती है एक अलग ही तरह की वो लाइमलाइट एंजॉय कर रही है, हर जगह सुर्खियों में बनी हुई है। तो हो सकता है कि उनका डेब्यू होने जा रहा है और डेब्यू भी सोचिए, किस्मत सोचिए कितनी अच्छी है कि सीधा साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म होकर फिर सुपर डायरेक्टर प्रशांत नील उन्हें डायरेक्ट करेंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होने वाला है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि वो वाकई इस फिल्म में होंगी या नहीं। इसके अलावा आपको बता दें सलार का क्या मीनिंग है, इस बारे में प्रशांत नील ने बताया था कि सलार का मतलब होता है कमांडर इन चीफ और कमांडर बनते हुए नजर आएंगे इस फिल्म में प्रभास। साथ ही आपको बता दें कि एक लुक भी शेयर किया गया था प्रभास का, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, उनके हाथ में गम थी और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वो लग रहे थे। तो दोस्तों बहुत कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस शेर से वो नफरत करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया वया के भाषण झाड़ते हैं। आखिर कितनी बड़ी हिट होगी सलार? क्या ये फिल्म प्रभास के हॉलीवुड के दरवाजे खोल देगी और फिल्म का इस वक्त क्या स्टेटस है? हेलो दोस्तों, अगर आप भी प्रभास की आने वाली फिल्म सलार का इंतजार करते करते थक चुके हैं तो इस वीडियो को देखिए और अपनी थकान दूर करिए। बॉलीग्राड स्टूडियोज आपके लिए लेकर आया है एक आने वाली फिल्म के बारे में कई सारी जानकारियाँ।
आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। खास तौर पर थियेटरिकल रिलीज के लिए बनी फिल्म सलार अब चर्चा में है और चर्चा इस बात की है कि क्या ये फिल्म अपने सोशल इफेक्ट्स के जरिए हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर दे पाएगी या नहीं। ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि प्रभास की फिल्में टेक्निकल प्रेजेंटेशन के मामले में सबसे आगे है और खास तौर पर सलार क्योंकि इस फिल्म में डार्क स्ट्रीम थीम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये टेक्नोलॉजी हॉलीवुड में और खास तौर पर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। सालों पहले आई फिल्म मैट्रिक्स और उनके अन्य पार्ट्स में भी ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। और दोस्तों बैटमैन ट्रायोलॉजी को कौन भूल सकता है। माना जा रहा है कि डीसीटी टेक्नोलॉजी यूज करने वाली सलार पहली हिंदुस्तानी फिल्म होगी। अब दोस्तों ऑडियंस इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसका अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन सबके लिए ये कुछ अलग एक्सपीरियंस साबित होगा। बात करें प्रभास की तो वो अब पूरे एशिया में पॉपुलर हो चुके हैं। उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया जैसी कई देशों में बेसब्री से किया जा रहा है। हमने इससे पहले भी कई फेमस एशियन सुपरस्टार को हॉलीवुड में नाम कमाते और फेमस होते हुए देखा है। शायद ये फिल्म प्रभास की जिंदगी की वही फिल्म साबित हो सकती है जिससे उनके लिए हॉलीवुड के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या प्रभास हॉलीवुड में काम करना चाहेंगे या नहीं। इससे पहले कई इंडियन सुपरस्टार को हॉलीवुड से कई रोल ऑफर हुए हैं लेकिन दोस्तों उन्होंने हॉलीवुड में काम करने से मना कर दिया। बात अगर दोस्तों सलार से जुड़ी उठने वाली अफवाहों की करें तो दोस्तों एक खबर ऐसी भी आई है कि बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट रह चुकी दिव्या अग्रवाल को इस फिल्म में कास्ट किया गया है। इस बात से दिव्या के फैन काफी खुश हैं और मैसेजेस और वीडियोस के जरिए वो इस बारे में पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक मेकर्स के हवाले से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है। और दोस्तों अब ये सच है या सिर्फ एक अफवाह, और अगर ये अफवाह है तो इस अफवाह के पीछे का क्या राज था और क्या कारण है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिल्म की शूटिंग इस वक्त चल रही है, हालांकि पेंडेमिक सिचुएशंस और अन्य कारणों की वजह से शूटिंग में डिले होता रहा है, लेकिन दोस्तों फिलहाल फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है फिल्म। प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस को भी काफी उम्मीदें हैं। इस फिल्म के मेकर्स ही केजीएफ फिल्म के निर्माता भी हैं, तो दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी आशा करना गलत नहीं होगा। फिल्म का कितना भी बड़ बजट क्यों ना हो, जब तक फिल्म दर्शकों का दिल नहीं छू लेती तब तक फिल्म को कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों एक बार आपने दिल जीत लिया तो दोस्तों उसके बाद बॉक्स ऑफिस जीतना मुश्किल नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री का दिल आया प्रभास पर क्यों कर रही हैं श्रुति हसन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने को स्टार को थैंक्स। नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बाहुबली से फेम पाने वाले साउथ एक्टर प्रभास ने मिला लिया है अब केजीएफ फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील से हाथ। जी हाँ, जल्द ही प्रशांत नील की निर्देशन में बनने वाली सलार फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे प्रभास। इस फिल्म में वो डार्क शेड किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं बताया जा रहा है कि सलार फिल्म में मचने वाला है डबल धमाल, क्योंकि आने वाली इस एक्शन पैक्ट फिल्म में प्रभास एक नहीं बल्कि दो किरदार करते नजर आएंगे। जहां उनका एक किरदार तो मैकेनिक होने वाला है, वहीं दूसरा किरदार में प्रभास एक एजेड मैन के किरदार में निभाते नजर आएंगे, और ऐसा वो किसी फिल्म में पहली बार करने जा रहे हैं। अगर ये बात सच निकलती है तो भाई फिर तो फिल्म देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है हमारे दर्शकों को। वहीं फिल्म में तो वेरी हॉट एंड चार्मिंग एक्ट्रेस श्रुति हसन भी प्रभास संग मेन लीड में नजर आने वाली है। और हाल ही में श्रुति हसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट जारी करते हुए प्रभास को कहा है थैंक्स, और इसके पीछे की वजह रही लंच बॉक्स। जी हाँ, वेडनेसडे यानी 8 सितंबर को प्रभास ने श्रुति हसन को एक खाने से भरा लंच बॉक्स पहुंचवाया,
जिसमें बिरयानी, दाल, राइस और कई तरह की सब्जियां थी, जिसे देख आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि भाई नाम लेते समय ही मैं तो खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अब इतने स्वादिष्ट भोजन मिलने पर तो शुक्रिया तो बनता है। और ऐसे प्रभास पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो पहले भी कई बार श्रुति के लिए लंच बॉक्स भिजवा चुके हैं। जहां एक तरफ प्रभास श्रुति को खाना भिजवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की एक और क्वीन का दिल आ गया है हमारे प्रभास पर। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, कंगना रनौत की, जिन्हें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सलाइवा के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सवाल का जवाब देते हुए कंगना ने कहा है कि वो साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ वापस से काम करना पसंद करेंगी, जिसके लिए वो डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ को कह चुकी हैं कि अगर प्रभास मेरे संग काम करने को तैयार हो दोबारा तो जरूर बताएं। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत इससे पहले 2009 में आई पूरी जगन्नाथ की फिल्म एक निरंजन में प्रभास संग काम कर चुकी हैं और दर्शकों ने इस फिल्म को भी काफी पसंद किया था। तो अब देखना है कि जहां श्रद्धा कपूर और जल्द ही दीपिका संग दिखने वाले हैं प्रभास, वही क्या एक बार फिर कंगना संग नजर आएंगे बाहुबली। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप प्रभास और कंगना की जोड़ी को फिर से देखना पसंद करेंगे बिग स्क्रीन पर, और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। सलार का मतलब, क्या फिल्म में प्रभास निभाते दिखेंगे विलन के राइट हैंड का किरदार, कौन सी फिल्म में जल्द ही आ रही है प्रभास की। नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जैसे आम इंसान के जीवन में कई यादें अपनी अलग छाप छोड़ जाती हैं, वैसे ही फिल्मों में दिखाए किरदार भी आम लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। जैसा 2015 में ISS राजा मौली की फिल्म बाहुबली ने किया, और तभी मैं भी प्रभास का जिक्र करने से पहले उनकी इस फिल्म का जिक्र कर देती हूँ। पर एक कलाकार के लिए भला इससे अच्छा एप्रिसिएशन और क्या होगा। बाहुबली फ्रेंचाइजी की फिल्मों के बाद जहां प्रभास का ग्राफ बढ़ता ही चला गया, वहीं दूसरी ओर साहू से कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग करियर पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता था, पर फिर भी किसी ने उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया। तभी तो साहू के बाद भी एक के बाद एक महान डायरेक्टर्स की फिल्में प्रभास को मिलती चली जा रही हैं। जी हाँ, जल्द ही राधे श्याम, आदिपुरुष और प्रशांत नील के निर्देशन में बनने वाली सलार फिल्म में नजर आने वाले हैं प्रभास। बात सलार फिल्म की करें तो पहले तो मैं आपको सलार का मतलब समझा देती हूँ। दरअसल सलार का मतलब होता है सेनापति, सरदार, और प्रशांत नील की भाषा में कहें तो राजा का राइट हैंड। इसी के साथ प्रशांत ने ये भी कहा कि सलार में प्रभास का किरदार बेहद हिंसक है। खलनायक जितना मजबूत होता है उसकी विरासत और हौसला उतना ही मजबूत होता है जिसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। विलन नहीं पर विलन से कम भी नहीं, ऐसा होने वाला है प्रभास का किरदार और सलार का असल मतलब भी। तो टाइटल और डायरेक्टर के कहने से तो लग रहा है कि फिल्म में वॉयलेंट प्रभास शायद विलन तो नहीं पर विलन से कम भी नहीं होने वाले हैं इस फिल्म में, और शायद वो विलन के राइट हैंड का काम करते देखेंगे जो कुछ साल पहले 2005 में आई फिल्म अपहरण की याद दिला देगा, जिसमें अजय देवगन की भूमिका का कुछ कुछ असर आने वाला है। सलार फिल्म के में प्रभास के किरदार को देख सकते हैं, पर अभी इस पे कुछ भी ऑफिशियल कहा नहीं जा सकता है जब तक कोई साफ साफ ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए। तो देखते हैं क्या हमारा अनुमान फिल्म की कहानी के किरदार को लेकर सही साबित होता है, या फिर प्रशांत नील ने कुछ और ही कॉन्सेप्ट सोचा है प्रभास के किरदार के लिए। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप प्रभास को अपहरण के अजय देवगन के किरदार में देखना पसंद करेंगे, और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देख घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। जो
नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या फिल्म में ज्योतिका दिखेंगी? क्या होने वाला है फिल्म में श्रुति हसन का किरदार? क्या सलार एक रीमेक फिल्म होगी? नमस्कार, बॉलीग्रेड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं रिलीजिंग के लिए, जिसमें राधे श्याम आदि पुरुष और डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है। जी हां, आने वाली सलार फिल्म से प्रभास तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबरदस्त लुक सामने आया है, तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट देखी गई है। फिल्म में पहली बार प्रभास और श्रुति हसन की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा और इस फिल्म में श्रुति हसन एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती हैं, पर अभी तक इस पर कुछ ऑफिशियल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है और वो है साल 1997 में बॉलीवुड की फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ज्योतिका का, जो अब आने वाली फिल्म में प्रभास की बहन का रोल करते हुए नजर आ सकती हैं। ज्योतिका तमिल, तेलुगु, हिंदी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी हैं। उन्हें वाली, टैगोर, खुशी, मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है। सलार में उनका रोल होगा या नहीं, वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं, इसकी कंफर्मेशन मेकर्स द्वारा अभी तक नहीं की गई है। तो देखते हैं क्या ज्योतिका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं। बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरें काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कन्नड़ फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था, पर इस बात से सलार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि सलार फिल्म की कहानी एकदम नई है और जो सिर्फ उन्होंने प्रभास के लिए लिखी है। तो देखना है जब फिल्म सलार आती है तो क्या उसमें कुछ हिस्से उग्रम के होते हैं या फिर सच में ये फिल्म एकदम अलग और जबरदस्त होने वाली है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आने वाली फिल्म सलार के लिए कितनी एक्साइटमेंट है। और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या सलार और KGF चैप्टर 2 का क्लैश होगा? KGF चैप्टर 2 को सलार के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग। हालांकि ये एक फ्रेंडली कंपटीशन है, लेकिन फिर भी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस घमासान रेस का बादशाह कौन सी फिल्म बनती है। सलार और KGF 2 की तुलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन इन्हीं सिमिलैरिटीज को पार ले जाकर कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है, यही होगी इस पिक्चर की अचीवमेंट। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही फिल्मों को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। वैसे तो प्रशांत नील साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से ही मूवीज बना रहे हैं, लेकिन KGF चैप्टर 1 के साथ जो बॉम्ब उन्होंने फोड़ा है, वही से प्रशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है। इस वजह से KGF चैप्टर 2 के लिए भी लोग दीवानों की तरह इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस रेस में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है, जो है सलार। सलार भी प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है और ये भी एक वजह है कि लोग इन दोनों मूवीज को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों के सिमिलैरिटीज में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है। भुवन गौड़ा सलार और KGF फिल्म सीरीज के सिनेमाटोग्राफर है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है और इनकी पिक्चराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी के लेवल को छुपाना काफी बड़ी बात है। KGF चैप्टर 1 में इतनी रियलिस्टिक और जबरदस्त सिनेमाटोग्राफी के बाद भुवन गौड़ा को बहुत तारीफें मिली और सलार में भी भुवन गौड़ा ही सिनेमाटोग्राफी करने वाले हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती क्योंकि सिमिलैरिटीज की लिस्ट में प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है। KGF चैप्टर 2 और सलार दोनों को ही होमले प्रोडक्शन कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। दोनों ही कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये हम सभी जानते हैं, इसलिए इन दोनों फिल्मों को कंपेयर किया जा रहा है। दोनों में से कौन सी पिक्चर बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स को फोड़ती है, ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा।
इन दोनों फिल्मों की तुलना करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड एक्टर है। KGF चैप्टर 2 में हमें दिखने वाले हैं यश, वही सलार में प्रभा, और इन दोनों को ही एक्शन अवतार में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इन दोनों फिल्मों में ये हेल्दी कॉम्पिटिशन वाली रेस में जीत किसकी होगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए। फिल्म के कॉन्सेप्ट को किया जाने वाला है सलार में रिपीट। कैन नेवर सीन बिफोर लुक में होने के बावजूद भी प्रभास के कैरेक्टर को किया गया है रिपीट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक नई और फ्रेश वीडियो में, जहां आपको मिलेगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कॉन्ट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। सलार फिल्म को लेकर हिंदी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रभास की पिछली सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के बाद से हिंदी ऑडियंस के बीच प्रभास का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। कई सारे लोग वेट कर रहे हैं कि प्रभास अपनी अगली फिल्म को लेकर कब बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेंगे। हिंदी भाषी ऑडियंस बॉलीवुड की रिपीटेड रीमेक फिल्मों से बोर हो चुकी है। साउथ की जो इस तरह की पैन इंडिया फिल्म रिलीज होती है तो एक ओरिजिनल कंटेंट और एक एक्चुअल ओरिजिनल एक्टिंग फैंस को देखने को मिलती है, जो कि उन्हें काफी एक्साइट करती है। शायद दोस्तों यही वजह है कि सलार के डिजिटल राइट्स अभी से ही 100 करोड़ के पार बिक चुके हैं। श्रद्धा कपूर के साथ रिलीज हुई प्रभास की फिल्म साहो ने भी बॉलीवुड में काफी बड़ा बिजनेस किया था। हर कोई देखना चाहता है कि इस बार किस तरह का प्रभास किरदार निभाने वाले हैं फिल्म सलार में। जहां अभिनेता हिट हुई फिल्म बाहुबली में एक राजकुमार के तौर पर नजर आए थे, वहीं साहो में उनका लुक पूरी तरीके से एक हैंडसम डैशिंग एटीट्यूड मैन का हो गया था। इस बार दोस्तों सुनने में आया है कि दोनों ही पोस्टर में प्रभास के दो अलग अलग लुक दिखाई जा रहे हैं, जहां वो रंग और हल्के से बियर्ड लुक में नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों पोस्टर में मिडिल एज मैन दिखाई दे रहे हैं जो कि हाथ में बंदूक लिए बैठे हैं, और आसपास इतना ज्यादा धुआं है और इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है कि मानो अपने सभी दुश्मनों को अभी उन्होंने ढेर कर दिया हो। लेकिन जिस तरह से फिल्म की कहानी सामने आ रही है और प्रभास का लुक दिखाया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं इस बात की अफवाह मार्केट में काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है कि एक आम किसान की कहानी सलार में दिखाई जाने वाली है। दोस्तों कुछ साल पहले रिलीज हुई प्रभास की फिल्म रिबेल में प्रभास का लुक डबल रोल दिखाया गया था, जहां वो एक में दोस्तों जहां एक डॉन के किरदार में थे, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एक आम गांव के आदमी थे जिसने डॉन बनकर अपने गैंग में भेज दिया जाता है खबर निकालने के लिए। अब दोस्तों अफवाहें उठ रही है कि यही कहानी और इसी तरह का कॉन्सेप्ट इस बार सलार फिल्म में भी देखा जा सकता है। और कई सारी रिपोर्ट्स की तो दोस्तों ये भी बताती है कि इस फिल्म में प्रभास का डबल रोल होने वाला है, तो इस बात पर पक्की मोहर लगने में अब कुछ ज्यादा सवाल खड़े करे तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आखिर में सच्चाई क्या है। दोस्तों ये तो फिल्म की रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों जिस तरह का किरदार हो, जिस भी एंग्री मैन लुक में प्रभास को दिखाया गया है, मेकर्स कह रहे हैं कि एक नेवर सीन बिफोर लुक होने वाला है प्रभास का। बावजूद इसके उनकी पहली फिल्म में उन्हें इस तरह से देखा जा चुका है कि उन्हें हम एंग्री यंग मैन तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों हम नहीं जानते कि फिल्म में आके कितनी ज्यादा थ्रिल और इंटेंसिटी भरी हुई है। लेकिन उनका किरदार वापस से रिपीट हो रहा है, इस बात की 98% लोग सच मान रहे हैं। एक तरफ जहां सलार फिल्म से प्रभास के लुक को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, वहीं दोस्तों अब वाकई सारे कंपोजर्स इस फिल्म के हो रहे हैं और अब धीरे धीरे फिल्म का क्रेज कम होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, फिर से प्रभास का लुक और फिल्म का कंसेप्ट रिपीट किया जाएगा? अपने व्यूज हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है कोमल तिवारी। घायल शेर की सांसें उसकी पहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। सालार को लेकर उठ रही अफवाहों की आखिर क्या है सच्चाई? सालार ने कैसे बढ़ाई श्रुति हसन की बॉलीवुड में मुश्किल? जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।
तहे दिल से स्वागत है आपका वापस से आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फ्रेश एंड न्यू वीडियो में। अगले साल अप्रैल में रिलीज हो रही है प्रभास और श्रुति हसन की फिल्म सालार। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील। फिल्म में एक और बेहद ही उम्दा कलाकार है तो दूसरी और एक बेमिसाल डायरेक्टर प्रशांत और प्रभास पहली बार एक साथ काम करते आएंगे नजर। फिल्म मेकर्स ने इस साल जनवरी में इस मूवी का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया था। फिल्म मेकर्स का कहना है कि प्रभास को इस मूवी में एक्सट्रीम वॉयलेंट रोल निभाते हुए और साथ ही इस मूवी की लीडिंग एक्ट्रेस श्रुति हसन के साथ रोमांस करते हुए दिखाया जाएगा। ये फिल्म एक नेक्स्ट लेवल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में नजर आएंगे। जहां मूवी में एक और प्रभास की कमाल की एक्टिंग लोगों से नहीं संभलती, ऐसे में डबल रोल वो भी इंटेंस डार्क थ्रिलर एक्शन सागा मूवी आएगी तो क्या ही आलम होगा। इस बात को तो कहते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभास का ऐसा अवतार आज से पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा गया है। बीच में इस मूवी को लेकर कुछ अफवाहें उठी थी कि इस मूवी में विलन के रोल के लिए जॉन इब्राहिम को अप्रोच किया गया है, मगर फिल्म के डायरेक्टर ने प्रेस इंटरव्यू में इस बात से साफ इनकार कर दिया था और ये भी कहा था कि इस मूवी में विलन का रोल कुछ खास अहम नहीं होगा। तो माना जा सकता है कि शायद प्रभास खुद ही एक रॉ एक्टर हु टर्न्ड आउट टू बी अ विलन का रोल निभा सकते हैं। इस मूवी से जुड़ी एक अफवाह ये भी थी कि ये प्रशांत नील की ही एक मूवी उग्रम का रीमेक है, मगर डायरेक्टर ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए स्टेटमेंट दिया कि ये मूवी पूरी तरीके से ओरिजिनल कंसेप्ट पर बेस्ड है। इस मूवी के लिए प्रभास ने जिम में हैवी वेट्स के साथ काफी एक्सरसाइज की ताकि वो खुद को इस रोल में काफी बेहतर तरीके से ढाल सके। इस मूवी में प्रभास के लुक्स और मूवी स्टोरी को जहां एक तरफ काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक बात से काफी खफा है। होमबले फिल्म्स कन्नड़ा बेस्ड फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। फैंस का कहना है कि अपने कन्नड़ एक्टर्स के साथ काम करने की बजाय और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बजाय वो एक आउटसाइडर यानी कि तेलुगु सुपरस्टार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स सिर्फ अपना फायदा और पैसे कमाने का सोच रहे हैं। आखिर में इस आउटरेज को शांत करने के लिए इस फिल्म को ओरिजिनली कन्नड़ और तेलुगु में शूट करने का फाइनल किया गया है। प्रभास से थोड़ी सी नजर हटाए तो फिल्म की लीड इन एक्ट्रेस के तौर पर श्रुति हसन को कास्ट किया गया है। एक इंटरव्यू के दौरान श्रुति हसन से उनका सालार फिल्म में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और प्रभास के साथ उनका कैसा तालमेल रहा, ये सवाल पूछा गया था। श्रुति हसन ने जो जवाब दिया वो कहीं न कहीं बॉलीवुड में कोल्ड कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है। श्रुति हसन ने साउथ इंडस्ट्री के सभी टॉप एक्टर्स के साथ काम किया है सिवाय प्रभास के। इस फिल्म के बाद उनकी इस विश लिस्ट पर भी टिक लग जाएगा। इंटरव्यू के दौरान इस सवाल का जवाब देते हुए श्रुति हसन ने प्रभास की जमकर तारीफ की। हालांकि प्रभास की सभी फिल्मों की एक्ट्रेसेस उनकी हमेशा जमकर ही तारीफ करती हैं, लेकिन काफी सीरियस अंदाज में श्रुति हसन ने ये स्टेटमेंट दी कि प्रभास दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। कई सारे एक्टर्स ड्रामा करते हैं कि वो डाउन टू अर्थ और जेन्युइन है, लेकिन असल जिंदगी में उनका असली चेहरा कुछ और ही होता है। लेकिन प्रभास सच में दिल से काफी ज्यादा अच्छे हैं और अभी तक जिन जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है उसमें से प्रभास उनके लिए बेस्ट एक्टर साबित हुए हैं। साउथ इंडस्ट्री के रीजनल स्टार की इतनी तारीफ करते हुए श्रुति हसन ने बॉलीवुड के कुछ पॉपुलर स्टार्स का दिल तोड़ दिया, जिसके बाद से खबरें आ रही है कि श्रुति हसन की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट्स भी कैंसिल हुए हैं। हालांकि किसी भी तरह से श्रुति ने अपने स्टेटमेंट वापस ना तो ली, ना ही किसी तरह का मॉडिफिकेशन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को लेकर जस्टिफाई किया है। अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि सालार फिल्म से श्रुति हसन की पॉपुलैरिटी बढ़ती है या फिर उन्हें स्टेटमेंट की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बात फिल्म की करे तो अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है और जितने ज्यादा अनुमान लगाए जाएंगे फिल्म के लिए क्यूरियोसिटी उतनी ज्यादा पड़ेगी। अगले साल अप्रैल तक ये सबर हम सभी को बनाए रखना होगा। देखते हैं कि आखिर इनोसेंट प्रभास का एक्सट्रीम वॉयलेंट लुक दर्शकों को कितना पसंद आता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने कीमती व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शंस में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम, कैसे हो भतीजे? अपने चाचा से बहुत नाराज है ना? क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। कोई मरता है तो कोई जीता है, मुझे मारना चाहता है।
है श्रुति हसन का सलार में किरदार? कितना चार्ज कर रही है श्रुति हसन सलार फिल्म के लिए? कौन से डांस नंबर पर परफॉर्म करती नजर आ रही है श्रुति हसन? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। प्रभास की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी सलार को जल्द ही अगले साल रिलीज कर दिया जाएगा। सलार को डायरेक्ट कर रहे हैं KGF के सुपरहिट डायरेक्टर प्रशांत नील। फिल्म को लेकर फैंस के बीच में काफी ज्यादा बेसब्री है, इसलिए हर कोई फिल्म को लेकर हर दिन नई नई फैन थियरी सोशल मीडिया पर डालता रहता है। इस फिल्म को लेकर कई सारे अफवाहें भी हर दिन सुनने को मिलती है। इससे पता चलता है कि फिल्म को लेकर लोग कितने ज्यादा क्यूरियस है। मूवी में भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है। सलार एक पैन इंडिया फिल्म है। इस फिल्म को 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में श्रुति हसन एक लीडिंग एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगी। आज के हमारे खास वीडियो में हम सलार फिल्म से अपने करियर को एक लेवल अप पर ले जाने वाले हैं। एक तरफ जहां सलार फिल्म के पोस्टर में सुपरस्टार प्रभास को देखकर ऑडियंस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो रही है, वही श्रुति हसन का रोल भी काफी इंटेंस और बोल्ड नजर आने वाला है। ओमली प्रोडक्शंस ने श्रुति हसन को उनका बर्थडे विश करते हुए एक पोस्टर रिलीज किया था, और जिसमें उन्होंने श्रुति हसन का सलार फिल्म में होने का कंफर्मेशन दिया था। बॉलीवुड में भी अपना कमाल दिखा चुकी श्रुति हसन सलार फिल्म में किस किरदार में नजर आने वाली है, ये फैंस काफी ज्यादा टाइम से जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि श्रुति हसन का किरदार फिल्म में किस तरह का नजर आएगा। सलार फिल्म में श्रुति हसन एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाने वाली है। एक तरफ प्रभास का किरदार अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, वही श्रुति हसन जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आने वाली है। तो ऑटोमेटिकली दोनों का कनेक्शन किस तरह से बैठेगा, ये साफ नजर आ रहा है। एक लव स्टोरी के तौर पर दोनों को साथ में देखा जाएगा, जहां श्रुति हसन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर सलार यानी कि प्रभास का पर्दाफाश करने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाएगी, और आखिर में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। फिल्म एंड तक बहुत इंटेंस एक्शन से भरी हुई नजर आने वाली है, जिसमें श्रुति हसन भी हाई वोल्टेज एक्शन करती हुई देखी जाएगी। जब फिल्म इतनी बड़ी है और इतना बड़ा सुपरस्टार हो, वही हाई पे चेक होना तो बनता है। सलार की हीरोइन यानी कि श्रुति हसन भी इस फिल्म के लिए काफी बड़ा अमाउंट चार्ज कर रही है। श्रुति हसन की लाइफ में सलार एक करियर चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग मूवी होने वाली है। फिल्म के लिए श्रुति हसन ने 1 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। आज से पहले अपनी किसी भी फिल्म के लिए उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट चार्ज नहीं किया है। तो जहां के हाई ऑक्टेन स्टंट्स दिखाई देने वाले हैं, वहीं फिल्म में श्रुति हसन सुपर डांस करती हुई भी नजर आएंगी। जहां फिल्म को 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, वहीं हिंदी और तमिल सॉन्ग्स के लिए श्रुति हसन खुद डांस परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएंगी, और ये भी एक वजह है कि श्रुति हसन फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है। देखते हैं कि ये सब श्रुति हसन की लाइफ में कैसा चेंज लाता है। लड़ाई में कौन पहले मारता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शेर से वो नफरत करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया में आके भाषण झाड़ते हैं। कैसी बना सलार से प्रभास का कनेक्शन? क्या रॉकी भाई और बाहुबली के बीच अटकी हुई थी ये फिल्म? क्या है प्रशांत नील की फ्यूचर प्लानिंग? हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स, वो भी मेरे यानी श्रुति के साथ। बॉक्स ऑफिस के बाहुबली प्रभास अब बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। बाहुबली के बाद से हिंदी सिनेमा में भी प्रभास एक जाने माने कलाकार बन चुके हैं। पैन इंडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अब रीजनल सिनेमा मेन स्ट्रीम सिनेमा बनने की पूरी तैयारी में है। बाहुबली के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म साहू ने पूरी इंडस्ट्री और हिंदी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सुपर डांस मूव्स, एक्शन सीन्स और प्रभास का एटीट्यूड सभी को काफी पसंद भी आया था। हर बार फिल्मों में प्रभास का एक नया अवतार सामने आता है। हर फिल्म में अपने किरदार में प्रभास इस तरह से घुस जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि प्रभास एक्टिंग कर रहे हैं। लगता है जैसे कि ये प्रभास की ही पर्सनालिटी है। इसलिए डायरेक्टर्स को भी प्रभास के साथ काम करने में और नए नए कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने में काफी मजा आता है। ऐसा
ऐसा ही एक बड़ा कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट किया है केसी डायरेक्टर प्रशांत नील ने। प्रशांत नील की नेक्स्ट फिल्म सालार में प्रभास को एक नेवर सीन बिफोर लुक में दिखाया जाने वाला है। फिल्म के पोस्टर जब रिलीज किए गए थे उसी के नीचे टैगलाइन थी, मोस्ट वायलेंट मैन वंस कॉल्ड अ मैन मोस्ट वायलेंट। इस लाइन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितना ज्यादा एग्रेशन इस बार दिखाया जाने वाला है। प्रभास ने पहले भी फिल्मों में बोल्ड इंटेंस लुक अपनाया है, मगर इस बार पूरी फिल्म ही अग्रेशन और इंटेंसिटी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। एक पोस्टर में प्रभास ब्लैक सन ग्लासेस में यंग रेबल स्टार के लुक में वॉक करते हुए दिखाया गया है, तो वहीं दूसरे में मूंछों के साथ प्रभास का मिडिल एज लुक दिखाया गया है, जहां वो हाथ में राइफल लिए इस अंदाज में बैठे हैं जैसे कि ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। प्रभास काफी शान दिखाए गए हैं, बावजूद इसके प्रभास के कैरेक्टर की इंटेंसिटी उनके एक्सप्रेशन पोस्टर के लुक में दिखाई दे रही है। जिस भी फिल्म में प्रभास होते हैं वो फिल्म ऐसे ही नजर आती है जैसे कि सिर्फ प्रभास के लिए ही बनी हो, लेकिन सलार फिल्म से प्रभास का रिश्ता ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं जुड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है या फिल्म का ख्याल भी आता है तभी से डायरेक्टर के मन में कोई ना कोई एक्टर फिक्स हो जाता है जो कि उनके हिसाब से उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट है, मगर बाद में किसी ना किसी रीजन की वजह से जब उस एक्टर के साथ बात नहीं बन पाती तो किसी और एक्टर को इस फिल्म में इमेजिन करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ। सलार फिल्म को लेकर उनकी पहली पसंद उनके फेवरेट रॉकी भाई यानी कि सुपरस्टार यश थे, लेकिन यश को फिल्म की कहानी में कुछ दम नजर नहीं आया, इसलिए यश ने खुद इस फिल्म के लिए प्रभास का नाम डायरेक्टर को सजेस्ट किया। बाद में खबरें आई कि प्रशांत नील यश के बाद अगर किसी एक्टर को साथ ये फिल्म बनाना पसंद करते हैं तो वो प्रभास ही थे। जब प्रभास को फिल्म की कहानी सुनाई गई तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। प्रभास को फिल्म की स्टोरी और खुद का कैरेक्टर काफी पसंद आया था, उन्होंने इस तरह का अग्रेसिव कैरेक्टर पहले कभी नहीं निभाया है और रियल लाइफ में भी प्रभास बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। काफी लंबा समय लगा दोनों में से एक को फिल्म के लिए चूज करने में, पहले लंबा टाइम यश के साथ और बाद में प्रभास के साथ। हालांकि खबरें आई थी कि प्रशांत नील का इरादा था कि दोनों स्टार्स को इस फिल्म में लाया जा सके, जिस वजह से दोनों के बीच ये फिल्म काफी लंबे समय तक अटकी रही, लेकिन फिल्म के लिए यश को अपना लुक रॉकी भाई से बदलना पड़ता जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, वो भी जब तक केजीएफ का सेकंड पार्ट रिलीज नहीं हो जाता। तब तक रॉकी भाई को लोग न भूले इस वजह से यश अपने लुक के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिल्म को फाइनली प्रभास के साथ शूट किया गया। अब काफी लंबी प्लानिंग है प्रशांत नील की, जब दोनों ही सुपरस्टार की पाइपलाइन सभी सुपर मेगा बजट फिल्म रिलीज हो जाएंगी उसके बाद ही दोनों को साथ मिलाकर एक और हाई बजट पैन इंडिया फिल्म बनाई जाएगी और ये नेक्स्ट फिल्म सलार का सीक्वल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सलार फिल्म रिलीज से पहले ही 100 करोड़ क्लब में। क्या सलार और केजीएफ चैप्टर 2 का क्लैश होगा? केजीएफ चैप्टर 2 को सलार के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग। हालांकि ये एक फ्रेंडली कंपटीशन है, लेकिन फिर भी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस घमासान रेस का बादशाह कौन सी फिल्म बनती है। सलार और केजीएफ 2 की तुलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन इन्हीं सिमिलैरिटीज को पार ले जाकर कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है, यही होगी इस पिक्चर की अचीवमेंट। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही फिल्मों को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। वैसे तो प्रशांत नील साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से ही मूवीज बना रहे हैं, लेकिन केजीएफ चैप्टर 1 के साथ जो बॉम्ब उन्होंने फोड़ा है वही से प्रशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है। इस वजह से केजीएफ चैप्टर 2 के लिए भी लोग दीवानों की तरह इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस रेस में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है जो है सलार। सलार भी प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है और ये भी एक वजह है कि लोग इन दोनों मूवीज को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों के सिमिलैरिटीज में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है। भुवन गौड़ा सलार और केजीएफ फिल्म सीरीज के सिनेमाटोग्राफर है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है और इनकी पिक्चराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी के लेवल को छू पाना काफी बड़ी बात है। केजीएफ चैप्टर 1 में इतनी रियलिस्टिक और जबरदस्त सिनेमाटोग्राफी के बाद भुवन गौड़ा को बहुत तारीफें मिली और सलार में भी भुवन गौड़ा ही सिनेमाटोग्राफी करने वाले हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती क्योंकि सिमिलैरिटीज की लिस्ट में प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है। केजीएफ चैप्टर 2 और सलार दोनों को ही होमले प्रोडक्शन कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। दोनों ही कितने बड़े प्रोजेक्ट्स है ये हम सभी जानते हैं, इसलिए इन दोनों फिल्मों को कंपेयर किया जा रहा है। दोनों में से कौन सी पिक्चर बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स को फोड़ती है ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। इन दोनों फिल्मों की तुलना करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड एक्टर हैं। केजीएफ चैप्टर 2 में हमें दिखने वाले हैं यश, वही सलार में प्रभा, और इन दोनों को ही एक्शन अवतार में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
अब इन दोनों फिल्मों में ये हेल्दी कंपटीशन वाली रेस में जीत किसकी होगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शेर से वो नफरत करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया में आके भाषण झाड़ते हैं। प्रभास के किरदारों के साथ क्या उनके असल स्वभाव का कोई मेल है? प्रभास रियल लाइफ में कैसे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। इंडियन सिनेमा के डार्लिंग प्रभास की फिल्मों के बारे में तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने आज तक क्या क्या फिल्में की है, कौन कौन सी फिल्मों में अपने धमाकेदार एक्शन की बदौलत लोगों का दिल जीता है, इन सब बातों पर हम अक्सर ही आप तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। यहां तक कि उनकी अगली प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाली है ये इन्फॉर्मेशन भी हम आप तक देते रहते हैं। लेकिन जो बात आप लोग नहीं जानते हैं वो है प्रभास का असल स्वभाव आखिर कैसा है, वो रियल लाइफ में किस तरीके के इंसान है। आज हम इस वीडियो में इसी पर कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। प्रभास ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म ईश्वर के साथ की थी, के बाद प्रभास को अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। इसके बाद हमारे प्रभास ने कई फिल्मों में काम भी किया और ऑडियंस का दिल जीते गए। इन तमाम फिल्मों में एक चीज काफी कॉमन रही और वो है प्रभास का एक्शन। जब से प्रभास ने इंडियन सिनेमा में कदम रखा है तब से उनकी फिल्मों का एक चीज काफी पॉपुलर होता है और वो है उनका एक्शन सीक्वेंस। प्रभास ने अभी तक सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म की है और वो है डार्लिंग, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में प्रभास के साथ काजल अग्रवाल नजर आई थी। प्रभास के फिल्मों की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने ज्यादातर एक्शन फिल्मों में काम किया है और इसी वजह से उन्हें तेलुगु इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो के तौर पर ही देखा जाता है। प्रभास की फिल्मों से अगर उनकी पहचान की जाए तो दोस्तों एक वॉयलेंट किस्म के इंसान के रूप में नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में प्रभास बेहद शाय, शांत और पीसफुल व्यक्ति हैं। वो काफी शांत स्वभाव के और साथ ही इंट्रोवर्ट माने जाते हैं। कई लोग जिनके साथ प्रभास ने काम किया है उनका कहना है कि प्रभास ज्यादा बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, सेट पर आते हैं, काम करते हैं और वापस अपने घर को चले जाते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन तो कुछ यही निकला कि प्रभास रियल लाइफ में एक शांत व्यवहार के व्यक्ति हैं, शायद इसी वजह से लोग उन्हें इतना पसंद भी करते हैं। तो चलिए ये कर ली हमने प्रभास के स्वभाव के बारे में कुछ खास चर्चा। हम उम्मीद करेंगे कि प्रभास की हर फिल्म को लोग उतना ही प्यार दें जैसा प्यार उनको घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक है। नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता। कैसे हुआ टीम का मेजर एक्सीडेंट? किस खास लोकेशन पर हो रही है फिल्म की शूटिंग? किसने संभाली है फिल्म के विजुअल्स की जिम्मेदारी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इन दिनों फिल्म सलार के बारे में दर्शकों के रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं, जब से पोस्टर और ट्रेलर आ चुका है और लोग अपनी राय बता रहे हैं। सबसे काफी ज्यादा पसंद आया है प्रभास का ये अंदाज, तो चलिए आज उस पर ही कुछ खास बातें करते हैं। वैसे देखा जाए तो सलार का किरदार प्रभास के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी नजर में ये किरदार निभाना काफी मुश्किल है। प्रभास इस फिल्म में गैंगस्टर के लीडर का किरदार निभा रहे हैं और आगे जाकर उनकी काफी दुश्मनों से भी लड़ाई होने वाली है। पूरी फिल्म में उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ खुद के किरदार को पेश किया है। उनके साथ सस्पेंस बढ़ाने आ रही हैं एक्ट्रेस श्रुति हसन और साथ ही एक्टर जगपति बाबू, जिनका इस दुश्मनी से एक खास कनेक्शन है।
फिल्म की शूटिंग के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने तेलंगाना की एक खास जगह चुनी है जिसका नाम है गोदावरी खनी। वैसे पूरी शूटिंग वहीं पर हुई है, इसके बारे में कोई पक्की खबर नहीं है, पर फिल्म के एक्शन सीन्स वहीं शूट किए गए हैं। वैसे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रभास लोकेशन की ओर जा रहे हैं और उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए 2-3 गाड़ियां भी पीछे आ रही हैं। दरअसल उसी जगह पर शूटिंग करते वक्त एक टीम मेंबर के एक्सीडेंट होने की खबरें आ रही थी। हाईवे पर यू टर्न लेते हुए ये हादसा हुआ था। उसके बाद डायरेक्टर और टीम ने सावधानी से सारी सिचुएशन को हैंडल किया। देखा आपने, एक टीम मेंबर की मेहनत फिल्म को कामयाब बनाने में कितनी मदद करती है। इसके साथ मुश्किल एक्शन सीन करते हुए भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी भी फिल्म के लिए कैमरा उसका आईना होता है, ट्रेलर हो या पूरी फिल्म, कैमरे में कैप्चर की गई हर चीज पर्दे पर शानदार दिखाई देती है और इसीलिए हर फिल्म के सिनेमेटोग्राफर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। अब इस फिल्म को ही ले लीजिए, मशहूर सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने कहानी को शानदार विजुअल्स और टेक्निक्स के साथ पेश करने का काम किया है। उन्होंने फिल्म KGF और KGF 2 के बाद अब सालार की जिम्मेदारी भी ली है और ट्रेलर ने तो साबित कर ही दिया कि पूरी फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है। फिल्म पर चर्चा करने के साथ साथ अब दर्शक हर चीज को नोटिस कर रहे हैं। बच्चे तो प्रभास का स्टाइल कॉपी करके वीडियो वायरल कर रहे हैं। सोचिए, फिल्म का गाना रिवील होगा तब सोशल मीडिया पर कितने ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, तब तो बड़ा हंगामा होने वाला है। अब बारी आती है रिलीज डेट को जानने की, तो फिल्म इस साल 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, इसीलिए तैयार हो जाइए सुपर पैक परफॉर्मेंस देखने के लिए। क्या सलार दर्शकों के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाएगी? राय बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको ये वीडियो घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। मुझे नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता। चाहती थी ऑडियंस, आज मौली को कंपटीशन देना चाहते हैं डायरेक्टर प्रशांत नील। प्रभास के जितने भी फैंस हैं उन सब के लिए खुशखबरी है, आपका रेबल स्टार अपनी फिल्म सालार को लेकर जल्द ही आपके सामने आने वाला है। फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, लोग इसे बार बार देख रहे हैं सिर्फ प्रभास का डैशिंग लुक देखने के लिए। वैसे तो उनकी फैन फॉलोइंग में बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक सब लोग शामिल है और इसके लिए उनके ट्रेलर को लोगों ने काफी सारा प्यार भी दिया। प्रभास सालार नाम का मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। इस किरदार पर उन्हें काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। उनका किरदार थोड़ा अलग है क्योंकि ये सस्पेंस के साथ साथ एक्शन का भी तड़का लगाने वाला है। अब उसी के लिए उन्होंने अपने लुक और किरदार पर काफी ज्यादा काम किया है। फिल्म में वो किसी पुराने बदले को पूरा करते दुश्मनों का पर्दाफाश करते नजर आएंगे। श्रुति हसन इसमें आद्या नाम का किरदार निभाएंगी और इनकी जोड़ी के साथ साथ हमें दिखेंगे सीनियर एक्टर जगपति बाबू, प्रकाश राज, मधु गुरुस्वामी और ईश्वरी राव। इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है जिससे साफ साफ पता चलता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। पर आपको एक बात बताएं, ये कन्नड़ तेलुगु फिल्म है और जब इसका पोस्टर रिवील किया गया था तब कन्नड़ ऑडियंस में काफी नाराजगी जताई गई थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अपनी राय दी थी, उसमें लिखा था कि प्रभास हमें काफी पसंद है पर हम चाहते थे कि कन्नड़ इंडस्ट्री का भी कोई एक्टर इसमें काम करे क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री भी किसी से पीछे नहीं रही। राजमौली जैसे अपने तेलुगु इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उसी तरह मेकर्स और डायरेक्टर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। सवाल ये उठता है कि क्या ऑडियंस किसे देखना चाहती थी? उसके हिसाब से कन्नड़ इंडस्ट्री का नाम सबसे ऊंचा करने वाला सुपरस्टार यश को ये मौका मिलना चाहिए था क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री को अलग पहचान दी है, लोग उनको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल है, ये तो दिख ही रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभास से कम प्यार करते हैं, वही उनके दिल से करीब है और अब माहौल थोड़ा चेंज होते नजर आ रहा है और सब काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है। अब अगर राजमौली का नाम आ चुका है तो उन पर भी कुछ बातें कर लेते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील भी किसी से कम नहीं है। सालार और KGF चैप्टर 2 को एक साथ एक दिन रिलीज करने का बड़ा फैसला उन्होंने किया है जो कि एक काफी दमदार एक्शन हो सकता है। KGF भी बाहुबली के टक्कर की एक फिल्म थी, इतनी तगड़ी फिल्म है और जिसमें अभी प्रभास भी शामिल हुए हैं तो क्या हो राजमौली को कॉम्पिटिशन देने की तैयारी कर रहे हैं।
वेल, ये तो प्रशांत ही बता सकते हैं, पर तब तक के लिए हमें 14 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा जब तक फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होती। अब आपको क्या लगता है कि प्रशांत राजमौली से घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक है? जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। कौन है साई जिंदल, क्या होगा इनका फिल्म में किरदार, क्यों है फिल्म के स्टार कास्ट अनयूजुअल चॉइस फिल्म के लिए? केजीएफ 2 के बाद अब जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर प्रशांत नील काम कर रहे हैं वो है फिल्म सालार, जिसमें प्रभास इस बार एक ग्रे शेड कैरेक्टर करते नजर आएंगे। ऐसे में इस फिल्म में दमदार कलाकार काम करते नजर आएंगे, जैसे बाहुबली प्रभास, जगपति बाबू, श्रुति हसन और साई चंद। लेकिन अनोखी बात यह है कि डायरेक्टर इस बार सभी को एक नए किरदार में एकदम अलग जेनरे के कैरेक्टर्स में पेश करने वाले हैं। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रभास, जिनका नाम फिल्म में सालार होने वाला है और उनके ये किरदार पर फिल्म का टाइटल रखा गया है, सभी प्रभास को पहले योद्धा, कॉमेडी रोल्स और एक्शन ड्रामा जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन एक ग्रे कैरेक्टर में उनको बड़े पर्दे पर उतारने का काम प्रशांत नील ने किया है, और ऐसे में जहां हीरो के कैरेक्टर में डायरेक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक वैसे ही फिल्म के विलन के रोल के साथ भी हमें नजर आएंगे साई चंद। ऐसे में साई चंद ने अपनी कई फिल्में जैसे फिदा, साई राव, कोंडापोलम से लाइमलाइट बटोरी, और अब केजीएफ डायरेक्टर उनको बिल्कुल हटकर एक खलनायक के रूप में पेश करेंगे, वही जो अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम होने वाला है। ऐसे में कई लोगों को फिल्म की ये सरप्राइजिंग स्टार कास्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो कई लोगों को ये एक बड़ा रिस्क लग रहा है, क्योंकि नो डाउट साई चंद एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी एविल कैरेक्टर नहीं प्ले किया है। इसमें इतने बड़े प्रोजेक्ट में उनका ये प्ले करना एक जोखिम का काम है, इसमें प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि बाहुबली से पहले भी किसी को थोड़ी पता था कि प्रभास आज एक पैन इंडिया स्टार बन जाएंगे। तो देखते हैं जब 14 अप्रैल 2022 को ये फिल्म बड़े पर्दे पर शेर की सांसें उसकी पहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। ये फिल्म कहाँ शूट हो रही है, फिल्म कब रिलीज होगी, अब इस फिल्म में कौन कौन है? अक्सर लोग बॉलीवुड सिनेमा ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर पिछले कुछ सालों ने रीजनल सिनेमा ने जो धमाके मचाए हैं वो अलग ही लेवल के हैं। ऐसा तो आज तक कोई बॉलीवुड मूवी कभी नहीं कर पाई जैसा बाहुबली और केजीएफ जैसी मूवीज ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। ऐसे फिल्म्स ने साबित करके रख दिया कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड पर भारी पड़ सकती है। क्या आप केजीएफ और बाहुबली जैसे फिल्मों का जादू दोबारा से देखना पसंद करेंगे? आपके हिसाब से सालार का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि आप इसका मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आसान भाषा में कहा जाए तो सालार का मतलब है लीडर, जो अपने साथ खड़े हुए मासूम और लाचार लोगों को हक के लिए लड़ते हुए नजर आता है और अन्याय करने वालों को सबक सिखाता है। तो जहां तक सालार की बात की जाए तो ये मूवी में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शाहरुख खान यानी प्रभास लीड रोल में दिखेंगे। प्रभास ने एसएस राजमौली द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म बाहुबली से लोगों का दिल जीता है। अब इस फिल्म को पूरे इंडिया में तमिल और तेलुगु के साथ 8 भाषाओं में डब किया गया है, जैसे कि मलयालम, हिंदी, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, ताइवानीज एंड स्पेनिश में रिलीज किया गया था। हिंदी में डबिंग शरद कीलकर द्वारा की गई थी, तो ऐसे ही सालार को भी डब किया जाएगा। अगर हाँ तो किन किन भाषाओं में डबिंग होगी? जी हाँ, बता दें ये फिल्म 5 भाषाओं में शॉट की गई थी, जो कि है कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम। जहाँ तक इस फिल्म की डायरेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को डायरेक्ट और लिखा है किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत नील ने, जिन्होंने उग्राम और केजीएफ जैसी फिल्में डायरेक्ट की है। अब इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर ने किया है और जिन्होंने केजीएफ का भी म्यूजिक कंपोज किया था। सिनेमाटोग्राफी को भुवन गौड़ा हैंडल कर रहे हैं और इस फिल्म को विजय किरण गांधूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक फन फैक्ट ये है कि सालार फिल्म प्रभास की पहली कन्नड़ फिल्म होगी,
प्योन की कन्नड़ा डेब्यू फिल्म मानी जा रही है। सालार का ऑफिशियल ट्रेलर इससे रिलीज कर रहे हैं बाय यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियोज और पहला लुक बहुत ही धमाकेदार है। इसमें माना जा रहा है कि प्रभास इसमें सालार बनेंगे जो एक सेवियर और फाइटर का रोल प्ले करते नजर आएंगे। जहां तक और लोगों की बात की जाए, इस मूवी में श्रुति हसन है जो कि इस मूवी की लीडिंग लेडी आद्या के रूप में नजर आएंगी। इस फिल्म में ग्रे और व्हाइट कैरेक्टर्स होंगे। बता दें राजमन्नार जो एक विलन होंगे जिसका रोल जगपति बाबू निभाएंगे। ये भी माना जाता है कि उनका प्रभास के साथ पहला कोलाब होगा और इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2021 से स्टार्ट हो गई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद बाहुबली ने अपने इंस्टा पेज पर शेयर कर दी थी। ये फिल्म फुल ऑन एक्शन मूवी होगी जिसमें वायलेंस और खून खराबे के सीन्स कोट कोट के भरे होंगे। अब ऑडियंस के लिए सबसे खुशी की बात ये है कि ये फिल्म कोई रीजनल फिल्म के नाम से नहीं बल्कि इंडियन फिल्म के नाम से रिलीज हुई है। इसका मतलब ये है कि ये फिल्म बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में आएगी, जिससे लैंग्वेज बैरियर जैसी प्रॉब्लम्स ऑडियंस को नहीं होंगी और वो आराम से कंटेंट बेस्ड फिल्म ही देख सकते हैं। सालार के स्टंट सीक्वेंसेस गोदावरी खानी तेलंगाना में शूट किए गए हैं। मेकर्स ने सालार के लिए बहुत बड़ा सेट बनाया है। खमाम और गोवर्धिकानी में जहां पर फिल्म का इंट्रोडक्शन फाइट सीक्वेंस शूट हुआ है, फिल्म के कुछ सीक्वेंसेस हैदराबाद में भी शूट किए गए हैं, जिसके लिए प्रभास ने मुहूर्त पूजा भी रखवाई थी। मुहूर्त पूजा के बारे में कहते हुए प्रभास ने लिखा, पूजा के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसके बाद मैं हैदराबाद में शूटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ और अपना पहला लुक्स फैन को दिखा सकता हूँ। सालार की एक शूटिंग वीडियो लीक हुई है जिसमें प्रभास एक इंटेंस एक्शन सीन शूट करते नजर आ रहे हैं। अब इस लीक्ड वीडियो में प्रभास हाथ में गन पकड़े नजर आ रहे हैं। गन से निकली गोलियां वो अपने दुश्मनों को मार रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि इंटेंस एक्शन सीक्वेंस की वजह से प्रभास ढंग से सो नहीं पा रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि हीरो के एक्शन सीक्वेंसेस रात भर शूट होते हैं ताकि विलेन के सीन्स दिन में शूट हो पाए। जहां तक सालार की फीमेल लीड की बात की जाए तो श्रुति हसन के जन्मदिन के मौके पर एक पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने फिल्म को प्रशांत नील ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे @ श्रुति हसन # सालार का पार्ट बनने के लिए धन्यवाद एंड सेट पर थोड़े कलर्स लाने के लिए थैंक यू। जब श्रुति से उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिप्लाई दिया और कहा, अभी कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, पर इस फिल्म में मेरा कोई एक्शन सीन सीक्वेंस नहीं होगा। हालांकि ये फिल्म फुल ऑन एक्शन से भरी है। जहां तक उस पोस्टर की बात की जाए तो आद्या यानी श्रुति ने एक सिंपल ब्राउन कुर्ता और सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स पहने हैं, जिसमें वो काफी सुंदर लग रही है। अब इस मूवी के विलेन राजमन्नार उर्फ जगपति बाबू का पोस्टर भी किसी से कम नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर में वो बहुत ही फियर्स लग रहे हैं और साथ ही में उन्होंने सिल्वर कलर की सेप्टम नोज रिंग पहनी हुई है, जो उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लुक देती है। कहा जाता है कि ये फिल्म 14 अप्रैल 2020। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक है। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता। किस अंदाज में नजर आए हैं प्रभास इस फिल्म से जुड़ी वीडियो में? क्या श्रुति दिखाई देंगी एक्शन सीन्स करते हुए? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, इस साल 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म सलार काफी चर्चा में है। फिल्म के ट्रेलर को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है, साथ ही प्रभास के फैंस तो काफी एक्साइटेड हैं ही इस फिल्म को लेकर और उनकी एक्साइटमेंट को वो कमेंट्स में जाहिर भी कर रहे हैं। वैसे प्रभास तो इन दिनों आने वाली फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं, पर उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होगी कि उनके फैंस कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी आने वाली फिल्म्स का।
अब दोस्तों आपको बता दें कि एक राइवल स्टोरी होगी जिसमें प्रभास सलार नाम का किरदार निभाते हुए एक डैशिंग राइवल का अंदाज दिखाएंगे। उनके साथ फिल्म का हिस्सा बनेंगे श्रुति हसन, जिनके किरदार के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है, पर उनका अभी इस राइवल स्टोरी में खास कनेक्शन होगा। श्रुति जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैलेंटेड है। उन्हें तेलुगु, तमिल से लेकर सारी भाषाएं आती हैं। उन्हें चैलेंजिंग चीजें करना पसंद है। उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ भी काम किया है, जिनके डांस स्टेप्स को मैच कर पाना काफी मुश्किल है, पर दोस्तों श्रुति इसमें भी पीछे नहीं रही। अब वो एक्शन में पीछे नहीं रहना चाहती हैं। इस फिल्म से उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा और वो एक्शन सीन्स करते हुए नजर आने वाली हैं। दोस्तों खबर तो ये भी आ रही थी कि उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। कोई भी फिजिकल इंजरी ना हो इसके लिए पहले उन्हें अच्छे से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी। और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि श्रुति एक्शन करते हुए बड़े पर्दे पर कैसे दिखेंगी। दोस्तों अब आपको बता दें कि कलाकारों के फीस को लेकर भी लोगों के दिमाग में काफी सवाल है। प्रभास फिल्म की मेन फेस है और बाहुबली के बाद तो उनका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया है। काफी फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स उनके एक झलक के लिए तगड़ा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। अब दोस्तों खबर तो ये भी आ रही थी कि प्रभास ने इस फिल्म के लिए 80 से 100 करोड़ तक रुपए लिए हैं। फिल्म के प्रॉफिट में भी उन्हें हिस्सा मिल सकता है, पर अभी इसका फैसला होना बाकी है। तो देखिए फिल्म दुनिया में प्रभास की मांग कैसे पूरी की जा रही है। पर दोस्तों ये तो सही है कि प्रभास जितना डिमांड करते हैं उतना मसाला भी देते हैं। वैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, पर उसकी मेकिंग वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं। पोस्टर में प्रभास जिस गेटअप में दिखाई दे रहे हैं उसी वक्त का ये वीडियो है, जिसमें उनकी डायरेक्टर प्रशांत नील उन्हें सीन समझा रहे हैं। वहां पर एक शानदार बाइक भी खड़ी है, तो शायद ये प्रभास की एंट्री का सीन हो सकता है। अब क्या फिल्म कलाकारों के फीस से ज्यादा कमाई कर पाएगी? अब आपकी क्या राय है इस पर, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। कैसे जगपति बाबू बने हीरो से विलेन? राजा मनार पर क्यों है सबकी नजरें? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं प्रभास, इन दिनों शूटिंग के कुछ आखिरी हिस्सों से व्यस्त है। चारों तरफ से प्रभास प्रभास और प्रभास ही नजर आ रहे हैं। इनकी एक फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद दूसरी फिल्म का ऐलान हो जाता है, जिसे ढेर सारे व्यूज मिलते हैं। क्या प्रभास को पता भी होगा उनके फैंस कितने दीवाने हैं उनकी एक झलक देखने के लिए? जब से सालार का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हुआ है, फैंस की खुशियों का ठिकाना ही नहीं है। सालार एक एक्शन सस्पेंस फिल्म है। फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है फिल्म के ट्रेलर से ही। अब देखिए, कवर अच्छा हो तो किताब पढ़ने की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में प्रभास सालार की भूमिका निभाते नजर आएंगी। उनके साथ दिखेंगी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हसीना श्रुति हसन और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जगपति बाबू। फिल्म में और भी कलाकार काफी अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसमें काफी सस्पेंस दिख रहा है। किसी से बदला लेने की जंग, उसके बीच होने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामा और दुश्मनों से लड़ाई, ये फिल्म की खासियत होगी। कहानी को ज्यादा रिवील भी नहीं किया गया, क्योंकि वही तो असली मसाला है। फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि आखिर में राजा मन्नार कौन है। आपके लिए बता दें कि राजा मन्नार का किरदार निभाने वाले हैं जगपति। जी हाँ, क्योंकि एक पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि राजा मन्नार मतलब जगपति बाबू जो फिल्म की कहानी को अलग रंग देने वाले हैं। ये फिल्म के विलन है या फिर प्रभास के पिता, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन हो रहा है। पर शायद मेकर्स चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन ऐसे ही बना रहे ताकि दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ सके। वैसे जग्गू भाई अपने किरदार से काफी खुश हैं, पर उनके फैंस को ये जानने में काफी इंटरेस्ट है कि वो ज्यादातर फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हुए नजर क्यों आते हैं, क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे हैं कि वो कहानी के विलन हो सकते हैं। अभी तक इस बात पर कोई भी पक्की खबर नहीं आई। उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर से लेकर एक्टर का सफर शुरू किया, पर एक फिल्म में उन्होंने विलन का किरदार निभाते हुए दर्शकों के दिलों को छू लिया, और जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे विलन के ऑफर्स आने लगे। फिर एक के बाद एक वही किरदार निभाते हुए उनकी इमेज राउडी विलन की हो गई। वैसे खबरों के अनुसार प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम में वो फिर से एक बार प्रभास के साथ नजर आएंगे। तो प्रभास और उनकी टीम बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिखा। We'll be right back.
को लीक। प्रभास क्यों कर रहे हैं जग्गू भाई की तारीफ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सालार की रिलीज